प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। आप इस शो का लुत्फ उठा रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो से। यहाँ पर हम लोग कुछ वीक मोमेंटम 9 दिन की शानदार रैली के बाद देख रहे हैं। निफ्टी में आपके सामने लगभग 446 तक नीचे 18261 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिन का लो था 18180, तो आप वहाँ से एक ठीक ठाक बाउंस देख रहे हैं। आज तेजी के लड़ाई में बैंक निफ्टी है और यहाँ पर आप लगभग 512 अंकों की वृद्धि देख रहे हैं 38730 पर। हर तरीके का प्राइवेट सेक्टर बैंक, चाहे वो ICICI हो, एक्सिस हो, कोटक हो, HDFC हो और साथ ही साथ SBI, आपको बढ़िया मोमेंटम देने दिखेगा। और आज बैंक निफ्टी के चार्ट देखते ही बनती है मुकाबले निफ्टी के, बल्कि निफ्टी में आप देख रहे हैं कि काफ़ी सेलिंग प्रेशर आपको IT स्टॉक्स में दिखेगा, लेकिन उसको बहुत बखूबी बैलेंस करते हुए बैंकिंग काउंटर्स। तो आज दिन है बैंक निफ्टी का, कुछ समय में इस पर हम लोग और चर्चा करते हुए दिखेंगे। लेकिन मिड कैप्स की तेजी बहुत बढ़िया तरीके से बाजार आपको लेता हुआ दिख रहा है। आज आपको रिकॉर्ड हाइज लगती हुई दिखी है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में चंबल और फैक्ट पर। अगर आप रियल एस्टेट पैक पर ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर सनटेक रियल्टी आपको बढ़िया मोमेंटम में दिखेगा। साथ ही साथ बहुत बढ़िया तेजी आपने ब्रिगेड और प्रेस्टीज रियल एस्टेट में भी आती हुई दिखी। फ्रंटलाइन काउंटर्स में आज इंफ्रास्पेस तेजी में चहक रही है। LNT, ABB, थर्मैक्स जैसे काउंटर्स हैं जो रिकॉर्ड हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेन जी को जोड़ते हैं। कुमार साहब, बहुत जबरदस्त आपका आज सुबह कन्विक्शन था कि बैंक निफ्टी पर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं कर रहा, बखूबी स्क्रीन पर वो काम करता हुआ। जय जय शेर जी। आज देखिए, आज शुरुआती आधे घंटे में 30 मिनट में बैंक निफ्टी ने बहुत स्ट्रांगली अगर आप देखें रिफ्लेक्ट किया था कि मैं आज आउट परफॉर्म करूंगा। शुरुआती अगर देखें कहीं ना कहीं 30 मिनट के सेट्स भी कह रहे थे और वो हुआ भी। बैंक निफ्टी ने पहले अगर आप देखें 38200 पे समर्थन लिया, फिर ऊपर निकला 38500 काटा और 38800 की ट्रेजेक्टरी तक चला गया शेर जी। तो वो एक बेहद खूबसूरत ट्रेड आया और निकल गया। लेकिन मोटे तौर पर मैं निफ्टी से शुरुआत करूंगा शेर जी। पहले यहां पर मैं एक बात कह रहा हूं कि 18200 पे, रिपीट करूंगा दोबारा शेयर जी, 18200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट में OI खड़ा है। ये तीन पुट राइटर्स मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बहुत शानदार तरीके से खड़े हैं। मेरा आज सुबह का कमेंट्री भी शेयर जी ने मेंशन किया था कि जब तक 18210 और 166 फर्स्ट बेस वॉलेट ना हो, आप स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए और डिप मिल गया तो सुबह ना उसको बाय कीजिएगा। आज का इंटरडे बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का लो है 18186 और याद रखिएगा 18166 जब तक नहीं वैलिड हो रहा है लॉन्ग की अप्रोच रखिए। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा लेकिन वो रिस्क पे करेगा। तो अभी भी स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। डेटा कोई खराब नहीं है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है बाजार में, ये चल रहा है तो ये गिर रहा है, यहां से पैसा निकल के यहां जा रहा है, यहां से पैसा निकल के यहां जा रहा है, लेकिन लॉन्ग की अप्रोच रखिए। और बैंक निफ्टी याद रखिएगा अब 38500 के ऊपर अगर है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको 38900 या फिर 39100 की डिलीवरी तक एक स्विंग दे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्लोजिंग में क्या ट्रेड करोगे जनाब, तो मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि स्टे लॉन्ग ऑन निफ्टी और निफ्टी पे ही फोकस कीजिए टिल द टाइम 18166 वॉलेट नहीं होता, 18166। निफ्टी बैंक में एक ट्रेड खूबसूरत आके निकल गया है, अब वक्त है थोड़ा सा निफ्टी पर फोकस करने का और इसी अप्रोच पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा इस कार्यक्रम में यानी कमाई का अड्डा में जो पैनल हमारे साथ मौजूद है वो आपकी स्क्रीन पर है, पहले उनसे कराता हूँ आपकी मुलाकात। याद रखिएगा क्लोजिंग में हमारे साथ मयूरेश जोशी होंगे फंडामेंटल विशेषज्ञ और राजेश पाल भी मौजूद होंगे, प्रकाश का डॉट के प्रकाश का, राहुल शर्मा, श्रीकांत चौहान और रचना वैद्य जी मौजूद होंगी, माना जायसवाल .com के माना जायसवाल, आशीष बहती जी मौजूद होंगे। 2:20 पर अगर आप देखें तो आज हम बातचीत करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट से और श्री जगन्नाथम चक्रवर्ती CFO सोनाटा सॉफ्टवेयर के हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज वित्त मंत्री सहरा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको बातचीत करेंगे लक्ष्मण जी से, हमारे CNBC आवाज के क्रमिक पॉलिसी एडिटर सुमित से बातचीत करेंगे बजाज ऑटो के और LTI ऑटो रिकमेंडेशन में जो था और यकीन से चर्चा होगी डीलिंग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और याद रखिएगा 3:10 पर मैं और शैल जी शुरू करेंगे मंत्रणा BTST और मोमेंटम कॉल्स के बारे में। शैल जी, बताइए
चलिए अब बिना विलंब के आपको अपने टेक्निकल पैनल से जुड़वाते हैं। वीरेन जी की राय है कि आप निफ्टी पर ज्यादा ध्यान दें लॉन्ग साइड पर, और यहाँ पर अगर आप एक इंटरेस्टिंग डेटा देखें, आपके सामने फिलहाल 60 अंक नीचे 18,250 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिन का लो 18,120 और दिन का उच्चतम लेवल आपने देखा आज 18,418 ध्यान दीजिए, क्लोजिंग रिकॉर्ड हाई है। अगर उसके ऊपर आपको निफ्टी जाता हुआ दिखता है तो यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम हम लोग ट्रैक करते हुए दिखेंगे लॉन्ग साइड पर। चलिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानस जायसवाल साहब, प्रकाश काबा साहब, आशीष बहेती जी और राजेश पालिया साहब, स्टॉक पिकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपसे आशीष बहेती जी, बताइए क्या एक जबरदस्त ट्रेड है आपके सामने स्क्रीन पर? और मैग्निटी का आईसीसी बैंक काफी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट अपने 25 अक्टूबर का जो क्लोज था नियर हाई का उसके क्लोज के करीब आज का ओआई बिल्डअप स्टॉक में दिख रहा है, और जिस हिसाब से 800 और 820 पे कॉल स्ट्रैप ले, हमें लगता है कि जल्दी इसमें 850 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल पे पोजिशन फ्रेश नहीं लॉन्ग बनाई जा सकती है, 825 का एसएल मेंटेन करके 850 के टारगेट्स के लिए आईसीआईसी में बाइंग रिकमेंडेशन है। आईसीआईसी बैंक वगैरह देखें आपकी बाइंग रिकमेंडेशन है और बेहद खूबसूरत चार्ट, और याद रखिएगा आईसीआईसी बैंक के चार्ट में खूबी क्या है, ये प्राइस एक बार आप डॉक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा व्यूअर्स के लिए, और उससे अगर आप देखें इसकी स्ट्रेंथ का आपको नजर लगेगा। ये प्राइस मोस्ट लाइकली अगर आप देखें जो इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है वो है, याद रखिएगा इसका ऑल टाइम हाई इंट्राडे बेसिस पे जो लगा था वो था करीब 862 का और 833 पे ट्रेड कर रहा, लेकिन उस दिन की क्लोजिंग जो आई थी वो आई थी 841 के जोन में, तो एक अनचार्टेड टेरिटरी है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे इसका हाई है करीब 841 का। सो आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पिक किया है आशीष जी ने, स्ट्रेंथ पिक ही लिए। आपके स्क्रीन पर आप देखें ये कॉल आ गया, और साथ ही साथ अब चलते हैं अपने अन्य मेहमानों के पास, राजेश पालवे जी हैं। राजेश जी आपके आए आपका कन्वेक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कन्विक्शन ट्रेड शुगर स्पेस में रहेगा, और उसमें बलरामपुर चीनी के साथ जाना चाहूंगा। बलरामपुर चीनी का जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है, जो कंटिन्यूटी बनी हुई है एक अप ट्रेंड की, जो स्ट्रेंथ स्टॉक में देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि बलरामपुर चीनी को यहां से लॉन्ग करना चाहिए। 454 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे, इसमें बाय पोजिशन बनाई जा सकती है, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 447 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है बलरामपुर चीनी में जो आ सकते हैं वो आना चाहिए करीब 468 से 475 तक के। तो बलरामपुर चीनी बाय करने की सलाह रहेगी। आपके सामने रिकॉर्ड हाई पर बलरामपुर चीनी चल ही रहा है, और यहां पर लगातार लॉन्ग कॉल्स आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई, प्राइस फिलहाल जो आपके सामने है वो है 454। और वीरेन जी एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं, देखिए इसकी तेजी हम लोग लगभग 375 रुपए से पकड़े हुए हैं, जो आपको चंदन तपड़िया साहब ने और अक्सर आशीष चतुर्मोता साहब ने पकड़ी है। 375 पर जो प्राइस था उस दिन यहां पर करीब 2 करोड़ शेयर ट्रेड हुए थे, और धीरे धीरे ये काउंटर अब आपको नई ऑर्बिटिंग टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है। एथेनॉल का तड़का, इलेक्शंस का तड़का यूपी और पंजाब में अगले महीने, ये सब बहुत ही अनुकूल असर लाता हुआ दिखा रहा है बलरामपुर चीनी के काउंटर पर। चलिए दो कॉल्स लॉन्ग साइड पर, अब यहां पर जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी क्या पसंद आ रहा है आपको 2:08 पर? मेरा समझना है कि आईटी में जिस तरह की वीकनेस देखने को मिली है, ऐसे बहुत सारे आईटी स्टॉक चार्ट पे हम देखने लगेंगे, जहां पर जो हमने एक स्मार्ट रैली पिछले करीब 6-8 महीने में देखी थी उसको उसका करेक्शन देखने को मिल सकता है, और उनमें से एक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा पे ध्यान दीजिए, टेक महिंद्रा ने अपना 20-day एवरेज ब्रेक कर दिया है, अपने 20-day एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 2 हफ्ते पहले यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था, उसके बाद पिछले हफ्ते कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन आज का मूव एक ब्रेकडाउन मूव है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 100-125 रुपए का करेक्शन और देखने को मिल सकता है। तो ये पोजीशन ट्रेड है जहां पर आपके जो टारगेट है वो 1550 के रहेंगे और आपके स्टॉप लॉसेस 1710 के रहेंगे। अगर हमें ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 1660 का पुट ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, 36 रुपए का ट्रेड कर रहा है, 14 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 75 रुपए के टारगेट के लिए।
ये तो टेक महिंद्रा पर एक शॉर्ट कॉल आता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, कुछ ही समय पहले, लगभग एक हफ्ते पहले, आप टेक महिंद्रा को रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और काफी कुछ परेशानियां आपको जो दिख रही हैं आईटी क्षेत्र में, वो विदेशी बाजारों से आती हुई दिख रही हैं। इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। यहां पर मैं आपको एक जरा काउंटर स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। अगर आप सुबह हमारे साथ जुड़े हुए थे तो सुप्रिया लाइफ साइंसेस पर एक लॉन्ग कॉल आपको चंदन तपड़िया साहब ने दी थी। डायरेक्टर साहब, चंदन जी हैं क्या ऑनलाइन? जी, चलिए तो सबसे पहले तो आप सुप्रिया लाइफ साइंसेस का काउंटर लाइए स्क्रीन पर। ताबड़तोड़ मोमेंटम यहां पर आपको दिख रहा है। ये काउंटर 28 दिसंबर को लिस्ट हुआ था, नया नया आईपीओ है और 274 रुपए का आईपीओ आया था, 71 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ये तो खैर बात की डिटेल्स है, लेकिन अब चंदन तपड़िया साहब को जोड़ेंगे। चंदन जी, ये जन्मदिन का तोहफा आपने सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को दिया, हालांकि तोहफा हमारी तरफ से बनता था, पहले तो उसका बहुत बहुत आभार। एक बार दोबारा रिव्यू कीजिए सुप्रिया लाइफ साइंसेस को। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और काफी अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिला और इसी वजह से इस रिसेंटली लिस्टेड काउंटर पे हमारा कन्विक्शन था। और जिस हिसाब से कल का मोमेंट बना था, कल से काउंटर रेडार में 620 तक के टारगेट की बात समझ रहे कि नहीं करें, क्योंकि काफी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बन चुका है। तो अब मेरा मानना है कि यहाँ पे लगभग 575 का ट्रेलिंग रहेगा 620 तक के अपसाइड के लिए। तो जिन्होंने लिया आधा बुक कर ले, बाकी को 575 का ट्रेड करे, क्योंकि एक दिन में 10-12% की रैली बहुत होती है। बट अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम है 620 और 650 के, यहाँ पे अभी भी 2-3 दिन के पोजिशनल टारगेट और इंट्राडे के मोमेंटम आपको बनेंगे। बुक पार्शियल प्रॉफिट आपको बहुत सही और सटीक राय आती हुई दिख रही है, और यहां पर आप जो आज वॉल्यूम देख रहे हैं वो है लगभग 71 लाख शेयर, रिकॉर्ड हाई तो कहना ही पड़ेगा, आपके सामने लगी हुई है। ये काउंटर दिसंबर 28 को लिस्ट हुआ और यहां पर 274 रुपए का जो आईपीओ था उसने 700 करोड़ रुपए रेज किए। ये कंपनी, ध्यान दीजिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट्स बनाती है और वो आईपीओ 71 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। यहां पर अब कुछ मुनाफा वसूली की राय आती हुई दिख रही है। चंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपसे एक ट्रेड और ना लिया जाए? जी देखिए, मेरा फोकस रहेगा और बैंकिंग काउंटर पे रहेगा, हालांकि बैंकिंग में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं रहेगा, बट इसके अलावा आप देखो तो ये कोटक बैंक मेरे को अच्छा लग रहा है। कोटक बैंक देखिए स्लो स्टडी है, यहाँ पे 2-3% के टारगेट रहेंगे, बट ये पॉजिटिव मोमेंटम है। यहाँ पे आपको 1945 के स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे 2020 के टारगेट के। तो कोटक महिंद्रा बैंक पे देखा, आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्विक्शन है, और इस वक्त याद रखिएगा दो चीजें हो रही हैं। एक तो है आईसीआईसी बैंक, अभी कॉल पे बातचीत हुई, स्ट्रॉन्ग है, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में और एचडीएफसी बैंक में खूबी है, जो कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, इनके पास है रिवॉर्ड। याद रखिएगा, रिवॉर्ड आईसीआईसी बैंक में है, लेकिन वहां पे आपको ऑल टाइम हाई का दाव खेलना है। एचडीएफसी बैंक में क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक में क्या है, यहां पे ये स्टॉक हार्डली अभी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अभी कुछ ऊपर आए हैं। तो ये बात हम कल से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर कोटक, एचडीएफसी दोनों दे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं। राजेश पालवे जी, आप इन दोनों में से कोई ऑप्शन ट्रेड पिक करना चाहेंगे? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त सिर्फ कोटक और एचडीएफसी है। तो वीरेन जी देखिए, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों ही स्टॉक अच्छा एक रिकवरी बनाते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक में रिकवरी बनी है रिजल्ट के बाद, स्टॉक में एक डिप लेके जो करेक्शन के बाद वापस से एक रिकवरी बनी, हमें लगता है एचडीएफसी बैंक के साथ यहाँ पे जाना चाहिए। और जिस तरीके के सेटअप एचडीएफसी बैंक के बन रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से 1580-1590 की तरफ बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे 1560 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 20 रुपए के आसपास, इसमें बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं, और हमें लगता है जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक में अब एक रिजल्ट के बाद का जो वापस से करेक्शन के बाद एक जो अपमूव बना है, ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो ये ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं करीब 32 रुपए से 35 रुपए तक आते हुए दिख सकते। तो एचडीएफसी बैंक का 1560 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 20 रुपए में बाय करें, 16 रुपए स्टॉप लॉस रखते। तो बात को समझिए, रिवॉर्ड कहां पर है, थ्रस्ट कहां पर है, याद रखिएगा। ये कॉल आपकी स्क्रीन पर 1560 का, चाहे यहां पे हमसे थोड़ी गलती हो गई, प्रकाश सर की कॉल अब तक स्क्रीन पे नहीं गई है। प्रकाश सर नमस्कार, आपकी कॉल क्या है सर इस वक्त की, 2 बजे का कन्वेक्शन पे? जी
बिल्कुल नमस्कार विवेक, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त 2 बजे वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। इस पर ध्यान देना चाहिए, एक बहुत बढ़िया आपने मिला, उसके बाद 4-5 दिन का करेक्शन आया, उसके बाद जो बेस बना हुआ है बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए, 1500 की तरफ जरूर चला जाएगा। स्टॉक होगा 1430 का आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। याद रखिएगा प्रकाश सर की ये कॉल है, ये चार्ट मेरे एग्जैक्टली दिमाग में आ रहा था अभी, और याद रखिएगा आज से लगभग कुछ सेशन पहले, अगर आप देखें 6-7 सेशन पहले या 8 सेशन पहले, यतिन ने इस स्टॉक को डीलिंग रूम में बताया था आपको, और उस वक्त ये लेवल था करीब करीब समझ लीजिएगा कि 1390 का या फिर 1410 का। आज 1464 का अगर आप देखें रोलिंग में इसका प्राइस है, और एक बात याद रखिएगा ये इसका प्राइस जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो ये इसका मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों? ये हमेशा 200 EMA पे रेस्ट लेता है और वॉलेट कर देता है तो काफी टाइम उसके नीचे रहता है, लेकिन जब उसको रिगेन कर लेता है तो अपनी स्ट्रेंथ को काफी लंबे समय चलाता है। ये इसका एग्जैक्टली 1462 जो है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मीन एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल मीन एवरेज है। तो ये स्टॉक प्रकाश सर ने बहुत अगर देखें वाजिब टाइम पे पैक किया, और वो यतिन की कॉल भी अगर देखें काफी ठीक ठाक रही। शैल सर चलिए आपके सामने फिलहाल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर चर्चा होती दिख रही है, बाजार बिल्कुल शांत बैठा है। बैंक निफ्टी में जो आपने सरपट दौड़ देखी है वो फिलहाल थोड़ा विश्राम लेती हुई, और आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक जिस पर बहुत बढ़िया राय आपको आती हुई दिखी, राजेश पालिया साहब की तरफ से बढ़िया मूव देता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं यहाँ पर, अच्छा टिकर पर कुछ खबर चलती हुई, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक करार हुआ है एक कंपनी एडवर्ब करके, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ निवेश आपको करती हुई दिखेगी, कुछ समय में इसमें और अपडेट्स आते हुए दिखेंगे। स्टॉक फिलहाल 2546 पर चल रहा है मामूली सी गिरावट के बाद, इस पर स्क्रीन पर थोड़ी देर में आपको अपडेट्स आते हुए दिखेंगे। ये खबर आपको रॉयटर्स के हवाले से फिलहाल आती हुई दिख रही है। ऐसा करते हैं यहाँ पर जोड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब को। नमस्कार मयूरेश जी, बताइए किस हिसाब से आपका ध्यान और रुझान है आज के सत्र के लिए? गुड आफ्टरनून बतानी। तो मुझे लगता है शैल जी, जो बजट का सत्र है अगले 7 या 8 दिनों में, लॉजिस्टिक्स ये सेक्टर को कहीं इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है आई थिंक जो एक बैकबोन होता है वो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को लेके ही होता है। तो आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं अगले 4 से 5 वर्षों में, जो 25,000 करोड़ की मार्केट साइज है पूरी इंडस्ट्री की, जो आप सर्फेस ट्रांसपोर्ट गिन के चले, ई कॉमर्स या कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स, ये एक्चुअली डबल हो सकती है। तो आई थिंक जो कंपाउंडेड ग्रोथ है 10 से 12% वो शायद मेंटेन होगी इंडस्ट्री के लिए। नेशनल प्लेयर्स आई थिंक शुड बेनिफिट इवन मोर, तो मुझे लगता है इनके नेशनल प्रेजेंस है ये स्पेस में, इस पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक एक स्टॉक जो हमारे नजर पे है, बाय वॉच लिस्ट पे है, आई थिंक जो प्राइस है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का जो हमारे बाय वॉच लिस्ट पे है, दैट शुड एक्सीड 375, क्योंकि एज पर न्यू मेथोडोलॉजी वहां पर थोड़ा सप्लाई आ सकता है। हाउएवर फॉर ऑल कार्गो आई थिंक जो कंपाउंडेड ग्रोथ उन्होंने पोस्ट किया है पिछले 4 या 5 वर्षों में has been at a very good pace. I think top line growth has exceeded 17-18 on a CAGR basis. EBITDA has grown at 17-18 times. So the leadership position is in hold data, less than container load. कंटेनर फ्री स्टेशन आई थिंक जो CFS कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, इनलाइन कंटेनर डिपोस, बजट सत्र में आई थिंक इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आने की मुझे उम्मीद है, क्योंकि वेयर हाउसिंग और रिलेटेड नीड्स इतनी बढ़ने वाली अगले कुछ वर्षों में, एंड DIFC या जो दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होने वाला है इसके लिए आई थिंक ऑल दिस विल कम टू फोकस इवन मोर। तो मुझे लगता है एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स ये सेगमेंट पे खास आएंगे, और एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स विद इन दिस एंटायर स्पेस जो मैं 50-52 हजार करोड़ की बात कर रहा था, दैट कैन ग्रो एट अ वेरी वेरी फास्ट क्लिप। तो ऑल कार्गो का जैसा प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो वेयर हाउसेज है, CFS, ICD है, जो गति इनकी आर्म है सबसे बड़ी, इनके पास जितने 4 मिलियन स्क्वायर फीट की वेयर हाउसेज है, गति कवर अपेरेंटली सेंसर 99% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड पिन कोड्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन 735 आउट ऑफ 739 इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये बताया कि लीडरशिप पोजीशन होने के कारण एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री डबलिंग एंड नेशनल प्लेयर्स लाइक ऑल कार्गो बेनिफिटिंग, आई थिंक लॉजिस्टिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑल कार्गो अबाउट 375 आई थिंक एक अच्छा बाय हो सकता है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, क्लाइंट्स को बताया नहीं है, बट हमारे बाय वॉच लिस्ट में जरूर। तो ट्रैक करते हुए विलियम ओ'नील
हाई कार्गो लॉजिस्टिक्स को। यहाँ पर आपने जो उच्चतम लेवल देखा है वो है लगभग समझिए 410 रुपए लगता हुआ दिखा था 3 जनवरी को, और थोड़ा रिट्रेस करती हुई कंपनी और फिलहाल आपके सामने 365 पर। चलिए आज की जो सबसे अहम कॉन्फ्रेंस है 4:30 बजे वो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन संबोधित करती हुई दिखेंगी दिल्ली से, लेकिन क्या अहम बात वहां पर आपको निकलती हुई दिख सकती है? ध्यान दीजिए, ये जब आपके सामने खबर आई थी तब मेरे ख्याल से लगभग 1:45 बजे हुए थे, और वहां पर लक्ष्मण जी ने एक ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि इस खबर या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज डिस्कस की जाएगी। अभी 2 घंटे बचे हैं, जरा खबर पर गौर कीजिए। लक्ष्मण जी बताइए। देखिए यहाँ पे जो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा वो है देवास अंतरिक्ष डील पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है सोमवार को, उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा करेंगी और बताएंगी कि सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना अहम है, और इस पूरे मामले में जो विपक्ष या फिर कहें उस वक्त की जो सरकार थी 2014 से पहले किस तरह से ढील ढाला रवैया अपनाई थी, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चल रहे ऐसे कई मामलों में भारत की स्थिति काफी मजबूत होगी। थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया तो बाकी अब डिटेल में शायद सर ही बताएंगे। दरअसल ये था कि अंतरिक्ष जो है इसरो की कमर्शियल आर्म है, उसके साथ देवास की एक मल्टीमीडिया कंपनी थी जो 2004 में स्टार्टअप के तौर पर बनी थी, 2005 में अंतरिक्ष के साथ डील हुआ था, और अंतरिक्ष के डील हुआ था आरोप यह है कि औने पौने दाम में डील हुआ था। 2011 में जब 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला सामने आया तो आनंद फानंद में तत्कालीन सरकार ने इस डील को रद्द कर दिया। इस डील को रद्द करने के बाद जो है देवास के को बंद करने का आदेश दिया एनसीएलटी ने। देवास ने एनसीएलटी के इस फैसले के खिलाफ एनसीएलटी में गया, एनसीएलटी में भी देवास को राहत नहीं मिली, फिर देवास मल्टीमीडिया सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां से भी सुप्रीम कोर्ट को अब राहत नहीं मिली है, यानी कंपनी को बंद करना है। और एक लाइन और बताना चाहूंगा कि इस कंपनी के जो विदेशी निवेशक है जिसमें मॉरिशस और जर्मनी के निवेशक है, उन लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट में जिसमें फ्रेंच कोर्ट भी शामिल है वहां पर भी अपील दायर कर रखी है कि बायलैटरल ट्रीटी की अनदेखी कर रही है भारत सरकार, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट फैसले के आधार पर भारत सरकार का पक्ष मजबूत होगा। इस पूरे मामले पर वित्त मंत्री भारत सरकार का पक्ष रखेंगे 4:30 बजे आज शाम। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको राहत मिलती हुई दिख रही है, और ये राहत भारतीय सरकार जो इंटरनेशनल कोर्ट्स में केस लड़ती हुई दिख रही है इस बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी जो कॉम्पनसेशन मांगी गई थी वो $1 बिलियन मांगी गई थी, क्या मेरा आंकड़ा सही है या इससे ऊपर है? बिल्कुल 1 बिलियन से भी कहीं ज्यादा कंपनसेशन मांगा गया था, और इसमें चूंकि मामला अभी भी 2 कोर्ट में अलग अलग कोर्ट में यहां पे चल रहा है, और इसमें सिर्फ ये कहा गया था कि आपने बायलैटरल ट्रीटी का पालन नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में तो महत्वपूर्ण बात कही है कि आप बायलैटरल ट्रीटी के आधार पर धोखाधड़ी वाले करार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो काफी अहम होगा, और भारत सरकार से जो मुआवजा मांगा गया था वो अब यह आधार साबित होता हुआ दिखेगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। ध्यान दीजिए, ये जो करार किया गया था ये यूपीए की पहली सरकार में सन 2005-2006 के आसपास किया गया था, और ये इसरो जो कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के डायरेक्टली अंडर आता है उसके बीच में और एक कंपनी देवास इंटरनेशनल ने किया था, जब यहाँ पर चर्चाएं बहुत सुर्खियों में थी तो इस करार को तोड़ दिया गया था सरकार की तरफ से, और देवास फिर आपको लीगल रिकोर्स में जाता हुआ दिखा। फिलहाल जो हमारे सामने दस्तावेज आए हैं या जो आपको टिप्पणियां आती हुई दिखी हैं उसमें सरकार का पक्ष कमजोर था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, और ये जो ट्रांजैक्शन रद्द किया गया था वो इस बात पर रद्द किया गया था कि आप धोखाधड़ी में किसी को बायलैटरल ट्रीटी में नहीं खींच सकते। अब क्या अपडेट्स हैं ये 4:30 बजे आपको आते हुए दिखेंगे। चलिए लक्ष्मण जी, आप मुस्तैदी से जुड़े रहिए नेशनल मीडिया सेंटर में, हम लोग फिर 4:30 बजे आपको मिलते हुए दिखेंगे स्क्रीन पर। चलिए अब बाजार में कहां कहां मोमेंटम है, डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए सोनाटा सॉफ्टवेयर का चार्ट। हम लोग बहुत जबरदस्त मोमेंटम इस काउंटर में देख रहे हैं, और अगर आप पिछली तिमाही में हमारे साथ जुड़े हुए थे तो यहां पर काफी चर्चाएं हम लोगों ने इस स्टॉक की करी। ये देखिए फिलहाल आपके सामने 875 रुपए के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, और नतीजे फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। काफी सच्चे आंकड़े यहां पर आपने आते हुए, रेवेन्यू
395 करोड़ मुकाबले 360 करोड़, जो कि 9.5% ऊपर है। मार्जिन्स आपने देखे हैं कि 28% आई है, कोई खासी ग्रोथ नहीं। और मुनाफा आपको 71 करोड़ आता हुआ दिखेगा मुकाबले 66-67 करोड़ के। जगन्नाथन चक्रवर्ती साहब जो कि CFO हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के, हमारे साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही जानी मानी मिड कैप कंपनी है और मैं आपको कई सारे आंकड़े इसके साथ शेयर करते हुए दिखाऊंगा जो कि स्टॉक प्राइस रिलेटेड हैं। चक्रवर्ती साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बाजार काफी हर्षित हुआ आपके नतीजों से और यहाँ पर आपने बढ़िया प्राइस मूवमेंट आते हुए देखा है। अब ये बताइए कि किस हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट में आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिखी और इंटरनेशनल टर्म्स में या इंटरनेशनल बाजारों में आपने किस तरीके का चलन देखा, आपकी सर्विसेज की डिमांड किस तरीके से बढ़ रही है? गुड आफ्टरनून मानिला, थैंक्स फॉर गिविंग दी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन अबाउट आवर परफॉर्मेंस टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ सीएनबीसी आवर। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। चुनाव सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल रेवेन्यू हैज हैड अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, 8.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स इन कॉन्स्टेंट करेंसी एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दैट वी आर कंटिन्यूइंग टू हैव एवरी क्वार्टर नाउ। We are very, very confident of maintaining this growth for the near future for a few more quarters at least for that. The entire IT industry demand scenario is very strong, pipeline is very strong for us. All of us have to work together to execute the demand that is coming at the customer. Domestic business also, as I was mentioning to you, the demand is very good. The transition for people from on-prem to cloud has been very, very dramatic post-COVID. And the quality of our revenue in the domestic market has been really good. So the quality of the premium of the margins on this new business is also improving very, very strongly. So we have put up a very strong revenue growth this quarter, always a very, very large quarter for us. What we again reiterate now is, don't see the revenue number for the domestic business, please see the gross contribution, absolute gross contribution. Absolute gross contribution has grown by 15% quarter on quarter compared to last quarter. It was around 39.5 crores to around 45 crores now. Very, very strong growth, 15% quarter on quarter growth on the gross contribution in absolute terms. So domestic business is very strong. Cash flow has also been really good. If you see the DSO for the domestic business, it has been very, very good, maintaining at the same level in spite of increased turnover. However, the international DSO, there was a little gap because of this being a December quarter, lot of vacation, so towards the end of December, hence the collection was a little muted. Otherwise, the demand scenario is very strong. There are cost increases also there, so the margin impact will be seen for the next couple of quarters. जी चतुर्थी साहब, जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए कि इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है और मुकाबले पिछले तिमाही के दूसरी तिमाही यानी कि सेकंड क्वार्टर और तीसरी तिमाही पिछले साल आपका एट्रिशन रेट कितना बढ़ा? The attrition rate is somewhere around 21-22%. It has improved around towards the end of the quarter. It was definitely better than what it was in Q2. It is Q3 is a little better compared to what it was in Q2. And going forward, we have to slowly see how much of it may take a couple of more quarters to settle down the demand scenario on the because of that, whatever is the attrition happened. But we are very confident we can engage with the employees and we will address the issue in the coming quarters. It may take some more time. Coming to the first quarter, the demand pipeline has been very strong. We are not disclosing the numbers outside. However, definitely the growth in the demand has been consistent throughout the year. And towards the quarter end, quarter two to quarter three, the demand scenario has been building up very, very strongly for us. Mr. Chakrabarty, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आई मीन यू आर ग्रोइंग एट अ वेरी हेल्दी रेट इन यूएस। यूएस मार्केट में आपका अगर आप देखें ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 11% रहा है। ये ग्रोथ रेट आप यूएस में मेंटेन कर पाएंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में भी और ये रेट क्या थोड़ा एक्सीड भी करेगा क्या यूएस में? for 3 months, 3 quarters,
acquisition included in the revenue for this quarter means the US market seems to be looking there. But there are strong growth. As we said, that in the last quarter also we had a strong growth in US market, and this quarter also we have strong growth. This time there are plus some acquisition also added up to the growth what we did. But we are seeing the US market is really doing well for us. सब आप सीएफओ हैं और आप बहुत ही पैनी नजर रखते हैं कॉस्ट सेविंग्स पर, ये बताइए आपका सैलरी वेज बिल कितना बढ़ा तीसरी तिमाही में मुकाबले पिछले साल के और मुकाबले दूसरी तिमाही के। हम लोग बाजार में अक्सर सुनते हैं कि चार चार पांच पांच जॉब्स आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बदल रहे हैं हर साल, और जब भी वो जंप लेते हैं तो उनको 20-30% जरूर सैलरी जंप मिलता है। That's a scenario. That's an industry scenario now. That's a demand. Huge demand. Hence, the people are having more for jobs and jump between 20-30%. We know much what the salary increase they ask for. But what we cannot continue to be in the, we may not be able to pay for everything. The average salary will be a little bit of market driven now. But in Q3, the impact was around 4 to 5 crores was the impact for on Q3. And in Q4 and Q5, we are expecting Q4 of this year, we will 2/3 of the impact, and 1/3 will be in Q1 of next year. As mentioned by our CEO during the analyst call, we are expecting around 7-8 crores of impact in Q3 and about 2-3 crores of impact in Q1 of next year. The salary will increase. But this is really to meet the best in class market correction for the people. That's what will come through. But that's what the demands are, you know. We can't do anything for that. Okay, Mr. Chakravarti, अभी आपने अगर देखें एक्विशन को लेके सैलरी हैक्स को लेके बात करी, नेक्स्ट ईयर आपके मार्जिन्स को देखो, आई मीन ये इस क्वार्टर में सिक्वेंशली आप देखें 0.7% का अगर आप देखें रिट्रेसमेंट है, एक गिरावट है, बट स्टिल वे मेंटेनिंग अ क्वाइट हेल्दी मार्जिन ऑफ 28% है। लेकिन जिस प्रकार का एक्विशन रेट है उसको देखते हुए आपका मार्जिन्स का आउटलुक क्या है, और इसी को एक प्रश्न को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, एग्जैक्टली वो चीज क्या है स्पेशली आप देखें डिजिटल सेगमेंट, क्या वहां पे आगे जाके प्राइसिंग बेटर होगी, क्या प्राइसिंग बहुत स्ट्रांग रहने के सेगमेंट में आपको चांसेस लग रहे हैं जो कि आपके मार्जिन्स को इंटैक्ट रखेगा? Margins are very strong in digital business. As I mentioned to you earlier also, margins in digital business is very strong. Margins in digital cloud and data, which is the focus area for us. These are the core focus services for us. We are very, very strong, and particularly ERP Dynamics business, Microsoft Dynamics business, also margin is good. That is why our EBITDA margin is industry-leading EBITDA margin for us. We are continuing to engage with the customer to see what are the kind of price increases we can get to compensate the increase. But that will take a couple of more quarters for us to get the best of benefits from the existing customer. And in the new project, what we get, we are not seeing that kind of margin pressure as such coming in. Cost is going up, it can have add to the temporary margin pressure for 1 or 2 quarters. But in the medium term, as we mentioned, whether the onsite, the post-COVID on-site assumed increases, whatever is the scenario, we will be able to maintain 23-25% EBITDA, even in the medium term. So we are very, very, very confident that we will have an industry-leading margin, continue to grow in the top echelon of the industry growth, and also have a top echelon of the margins for the industry, for our company. चक्रवर्ती साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी बढ़िया राय शेयर करी हमारे दर्शकों के साथ। ये कुछ स्टॉक परफॉर्मेंस आपके सामने सोनाटा सॉफ्टवेयर का आता हुआ दिख रहा है, ध्यान दीजिए फिलहाल यहां पर 4 एनालिस्ट सॉफ्टवेयर सोनाटा सॉफ्टवेयर को ट्रैक करते हैं और उनका एक साल का लक्ष्य लगभग 1100 से 1200 रुपए है, और फिलहाल जो आपके सामने प्राइस है मेरे ख्याल से 866, तो समझिए अभी भी आपके सामने 30-35% आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख सकता है। ये एनालिस्ट रैंकिंग्स हैं और अगर सन 2012 से आप इनका स्टॉक प्राइस देखें तो आप देखेंगे साल दर साल इस काउंटर ने लगातार 10 साल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न दिया है। चलिए चर्चा हो रही है फिलहाल सोनाटा सॉफ्टवेयर की, वापस बाजार से जुड़ते हैं। आपके सामने निफ्टी अब थोड़ा और कमजोर होता हुआ, और सिर्फ मुनाफा वसूली है और ये सबसे ज्यादा आपको एचसीएल टेक पर आती हुई दिख रही है, लगभग 68 अंक नीचे 18,240। ध्यान दीजिए एचसीएल टेक आज सुबह डिस्कस किया गया था और यहां पर ब्रेकडाउन था, यहां पर बिकवाली की राय आपको आती हुई दिखी थी,
कविता जी की तरफ से इस चार्ट को दोबारा एनालाइज कराते हैं और इसका जम्मा संभालेंगे मानस जायसवाल साहब। मानस जी, आपने टेक महिंद्रा पर एक सेल कॉल दिया, बताइए एचसीएल टेक कैसा लगता है? ज्यादातर आईटी स्टॉक्स चार्ट पे वीक लग रहे हैं इस टाइम शायद जी, और एचसीएल टेक ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है नीचे के साइड पे, तो उम्मीद करिए कि कम से कम अपना 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो 1190 के टारगेट सेट करें अपनी पोजीशन में। जो शॉर्ट पोजीशन आपने आज मॉर्निंग में बनाई है उसे बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज कर लीजिए। 1242 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए 1190 के टारगेट के लिए। ये आपने 50 डीएमए को फिलहाल ध्वस्त होते हुए देखा है एचसीएल टेक में, और ये कमजोरी आपको फिलहाल आती हुई दिख रही है विदेशी बाजारों से। ध्यान दीजिए, आप जो बिकवाली देख रहे हैं फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में और मेरे ख्याल से नैस्टैक फ्यूचर्स भी आपको कमजोर दिखेंगे, ये बिकवाली धीरे धीरे आपको भारतीय बाजारों में आती हुई दिख रही है। बढ़ती हुई यूएस 10-ईयर बॉन्ड यील्ड, जी हाँ, इस वक्त डाउ फ्यूचर्स आपके सामने लगभग 200 अंक नीचे हैं, 35600 के आसपास, और अमरीकी बाजारों में सुबुगाहट कह लीजिए या डर कह लीजिए वो ये है कि एक रेट हाइक और काफी मोटा रेट हाइक आपको आता हुआ दिख सकता है यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से। उससे पहले बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हुई दिख रही हैं आपको, और साथ ही साथ आपको जो ग्रोथ स्टॉक्स थे नैस्डैक में वहां पर काफी मुनाफा वसूली दिख रही है, वो सब भारतीय बाजारों में आपको धीरे धीरे आती हुई दिखेगी। और साथ ही साथ हमारे लिए $88 जो क्रूड का प्राइस है वो बहुत ही चिंताजनक है, इस वजह से आप भारतीय बाजारों में खासकर निफ्टी पर थोड़ी बिकवाली देख रहे हैं, और पिछले 9 दिन में जो तेजी थी उसका भी कुछ हल यहां पर। मयूरेश जोशी साहब को जोड़ते हैं। मयूरेश जी, क्या डर यूएस फेडरल रिजर्व से कि जो अगले हफ्ते की मीटिंग है 25-26 जनवरी की, वहां पर आपको एक धमाका होता हुआ दिखे? तो बिल्कुल आपने एकदम सटीक तरीके से समझाया है शैल सर, क्योंकि एक डर है कि मार्च महीने में ही शायद एक रेट हाइक आ सकता है, और इसके वजह से थोड़ा एक डर बैठ गया है यूएस मार्केट्स में, और वो बॉन्ड यील्ड से दर्शाया जा रहा है जो 1.85 पे टच हुई है। दूसरा आई थिंक जो डिमांड डायनामिक्स है और जो क्रूड रिलेटेड सप्लाई इश्यूज है, इसके वजह से जो प्राइसिंग है नियर टर्म में तो बढ़ सकती है, पर मेरा खुद का अनुमान है आई थिंक ये नॉर्मलाइज होना चाहिए ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और तीसरा आई थिंक जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स है ग्लोबली, अभी भी आई थिंक दिक्कतें चल रही है, और इसके वजह से आई थिंक जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन रिस्क है और जो डिमांड बढ़ के आएगी एट एक्सट्रीमली इनॉर्मस पेस, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो आएगी, ये जो तड़का आएगा इन्फ्लेशन का, ये आई थिंक चिंताएं दे रहा है काफी मार्केट्स पर। इसलिए आई थिंक जो ग्लोबल डेटा पॉइंट्स है सारी खबरों को अगले कुछ दिनों में एक दो हफ्तों में एडजस्टेड कर ले। चलिए भैया, अगर आप देखें यूएस मार्केट के रिएक्शन पर, हमारा थोड़ा सा रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर आप देखें, 18212 पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ, और दो बजे से लेकर अब तक आप देखें फर्दर स्लाइड आया है, लेकिन मॉर्निंग लोस है याद रखिएगा 18180, उसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, और पिवट लेवल है 18166 18166, उसको ध्यान में रखिएगा। 200 अंक नीचे रहा फ्यूचर्स यूरोपियन मार्केट्स पर, आप देखें औसतन स्लाइड लगभग 0.25% का है, फुटसी लगभग 59 नीचे ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा एक और चीज कि एक दिन के गैप के बाद यूएस मार्केट्स खुलेंगे, लेकिन इस बीच थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। लेट्स सी आईसीसी सिक्योरिटीज, मुनाफा करीब 270 करोड़ से बढ़कर 380 करोड़ बना, और आय लगभग 620 से करोड़ कर देखें तो बढ़कर 940 करोड़ रुपए रही। आपने अगर इंजन वन के नतीजे देखे तो बेहद शानदार रहे थे, और लेट्स सी आईसीसी सिक्योरिटीज आज सुबह इस चार्ट को हम डिस्कस कर भी रहे थे और बातचीत हो भी रही थी। मयूरेश जी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर आपकी राय, 827 इस दौर की अगर आप देखें हाईएस्ट ट्रेड करता हुआ, नॉट ए डे कॉल और पोजिशनल कॉल, लेकिन फाइनेंशियली आपका आउटलुक है, अभी भी इस प्राइस पे अपने ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है, नंबर्स कैसे लगे आपको और आपका रिएक्शन? ये नंबर शानदार है, तो अगर आप एंजल वन के नंबर्स देखें कल, तो आई थिंक जो क्लाइंट अक्रीशन ये सारे ब्रोकर्स कर रहे हैं डिजिटली, इसके वजह से इनकी कॉस्ट अच्छी खासी बच रही है। दूसरा, इवन इफ ट्रांजेक्शन एलिमेंट यानी जो ब्रोकरेज है ये थोड़ी कम हुई है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये कॉम्पेंसेट कर रही है वॉल्यूम से, तो जितने डीमैट खाते खुल रहे हैं और जैसे ट्रेडिंग हो रही है वो डिलीवरी बेस्ड या इंट्राडे, आई थिंक दैट इज गिविंग अ गुड अमाउंट ऑफ लेवरेज इनके बैलेंस शीट्स पे, और इसलिए उनकी जो नेट यील्ड होती है
एंड इवन इट्स लेसर कंपेयर टू व्हाट इट वाज अ फ्यू इयर्स बैक, वॉल्यूम्स इसको कॉम्पेंसेट करता है. तीसरा आई थिंक जो रिटेल पार्टिसिपेशन है दीदू जी, आई थिंक विद द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट दैट आर ओपनिंग, जो एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, इसमें जो आई थिंक एक सुधराहट होगी इन टर्म्स ऑफ मोर अकाउंट बीइंग ओपन एंड मोर एंड मोर रिटेल इन्वेस्टर्स कमिंग टू द मार्केट्स, मुझे लगता है आई थिंक जो वॉल्यूम लेड ग्रोथ है वो कंटिन्यू होगी सारे ब्रोकर स्टॉक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज के लिए. तो आई थिंक स्ट्रक्चरली द स्टोरी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जिनके पास है आई थिंक ये सारे स्टॉक्स आई थिंक बने रहने चाहिए. बट आई थिंक रेवेन्यू प्लस बॉटम लाइन अक्रीशन ये बिजनेस या लाइन ऑफ बिजनेस में कंटिन्यू होगा और डिजिटलाइजेशन की वजह से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हमारे साथ हमारे जितनी भी मित्र मंडली फिलहाल स्क्रीन पर है किसी ना किसी ब्रोकर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई है. जोशी साहब विलियम ओनील के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रीकांत चौहान साहब कोटक सिक्योरिटीज, पाव्या साहब एक्सिस सिक्योरिटीज से जुड़ रहे हैं. ये सब सवाल आप ही से संबोधित है जोशी साहब, आप सबकी तरफ से जवाब दीजिए. इस बार तो बोनस बहुत बढ़िया बटेंगे, तो कहां है पार्टी? उसका तो पता नहीं सर, बट अगर बोनस अच्छा हो तो योर प्लेस एंड योर टाइम पक्का. जो मुस्कुराहट पालिया साहब के चेहरे पर और श्रीकांत चौहान साहब के चेहरे पर है डायरेक्टर साहब, वो भी स्क्रीन पर दिखा दीजिए. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने धमाकेदार रिटर्न दिए हैं आपको, 380 करोड़ है मुनाफा मुकाबले 270 करोड़ के, और जो आपने 52% आय में वृद्धि देखी है 940 करोड़ की तरफ से. देखिए मंद मंद मुस्कुराते हुए पालिया साहब यहां पर एक्सिस सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चौहान साहब आपको कोटक सिक्योरिटीज से जुड़ते हुए दिख रहे हैं. तो जिस तरीके से परफॉर्मेंस आपको आईसीआईसीआई का दिख रहा है वही परफॉर्मेंस कोटक की और एक्सिस की सिक्योरिटीज फर्म करती हुई दिखेंगी. जोड़ते हैं यहां पर श्रीकांत चौहान साहब को. श्रीकांत जी बोनस इस बार? बिल्कुल, अरे वो तो देखिए कैसा है कि ये जो बोनस होता है वो मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है. हम लोग हमारा काम तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन अगर विजिबिलिटी अगर काफी क्लियर हो आने वाले साल के लिए तो बोनस अच्छे लगते हैं. और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की विजिबिलिटी मार्केट ने देके रखी है आने वाले 2-3 साल के लिए, बिल्कुल पिछले साल भी काफी अच्छा बोनस था, आने वाले दिनों में भी काफी अच्छा बोनस रहेगा. और जैसे जोशी साहब ने आंसर दिया वो सबसे अच्छा जवाब था उनका कि पार्टी तो बिल्कुल देनी है आपका टाइम, और आप जो बोलेंगे वहां पे पार्टी मिलेगी. फरवरी के सेकेंड वीक में वीरेन जी भी यही होंगे और हम सब आपको मौका देंगे हमें पार्टी देने का. अब श्रीकांत साहब एक दहकता हुआ स्टॉक. देखिए वैसे भी मार्केट में हमने एक काफी अच्छा करेक्शन देखा है और मुझे लगता है कि काफी दिनों के बाद निफ्टी ने एक लोअर हाई बना के एक रिवर्सल फॉर्मेशन क्रिएट किया है. तो बेस्ड ऑन दैट पे हमें लगता है कि निफ्टी जो है वो थोड़ा और करेक्ट हो सकती है और जो 18,150 के इंपॉर्टेंट लेवल है वहां तक भी कम से कम जा सकती है. तो 18,100 के लेवल मुझे लगता है आने वाले दिनों में शायद एक या दो दिन में देखने मिल सकते हैं. उसके विपरीत अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में उतना ही स्ट्रेंथ बना हुआ है और अगर 39,000 के लेवल से अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो हमें लगता है वो 39,500 के लेवल के करीब जा सकता है. लेकिन चूंकि अभी सेंटिमेंट खराब हुआ है और करंट लेवल से अगर मार्केट गिर रहा है तो हमें लगता है कि अगर शॉर्ट करके चलना है तो कोफोर्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आईटी में वैसे भी मंदी बनी है और हर एक स्टॉक अपनी इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर रहा है. तो कोफोर्स को करंट लेवल से शॉर्ट करके चले जो 5,490 के करीब ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि 5,250 के लेवल्स दिखा सकता है और 5,550 का स्टॉक लॉस यहां पर रख सकते हैं. चलिए तो लीजिए अगर आप देखें आईटी पे पहली शॉर्ट कॉल आई है मतलब श्रीकांत जी की तरफ से और टेक महिंद्रा पे शॉर्ट कॉल थी हमने कुछ देर पहले एक्सेल टेक्नोलॉजीज की बात हुई तो आपकी स्क्रीन पे कुछ शॉर्ट कॉल्स अगर देखें इमर्ज होती हुई आईटी में. लेट्स चेक बिलस ऑफ नाउ, सुबह सुबह बातचीत हुई थी हमारे इस पर और एक शॉर्टिंग का व्यू हमने लिया भी था, बात भी की थी और उस वक्त ये बात थी कि इस स्टॉक ने बड़े मोमेंटम के बाद फर्स्ट टाइम 10 डे को तोड़ा था कल और आज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को वरीड किया. मानव जी आपकी राय क्या होगी, अब ये स्लिप कहां तक जा सकता है क्योंकि पूरा सेक्टर प्रेशर में है इस वक्त? क्योंकि मॉर्निंग में जब बात हुई तभी मैंने मेंशन किया था कि वो वीकली चार्ट है वहां पर एक बेरिश पैटर्न बना है और अगर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलेगा तो शायद आपको 500 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है. मेरा समझना है कि अगर मॉर्निंग में आपने एक शॉर्ट कॉल लिया हुआ है, शॉर्ट ट्रेड लिया हुआ है, तो वहां पे स्टॉप लॉसेज ऊपर रिवाइज करके 555 कर ले, वो
पोजिशन बने रहिए, कम से कम 500 रुपए तक के भाव आपको देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं बिरला स्टॉक पे। आपके सामने फिलहाल एक स्टैक प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें आईटी सेक्टर की बिकवाली आपको स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। कई सारे काउंटर्स दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, इनमें विप्रो, खासकर कोफोर्ज जहां पर एक शॉर्ट कॉल आती हुई दिखी, टेक महिंद्रा, और आपके सामने इस वक्त टीसीएस भी दिन के न्यूनतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक मामूली सा ब्रेकडाउन निफ्टी के आईटी इंडेक्स में भी होता हुआ, 38181 फिलहाल आपके सामने ये दिन के न्यूनतम लेवल पर चलता हुआ दिख रहा है। न्यूज फ्लैश आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, एक आयन एक्सचेंज करके कंपनी है जो वाटर सैलिनेशन प्लांट्स में काम करती है, 140 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिला, 1.5% नीचे ये स्टॉक। वीरेन जी, काफी परेशानी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी, ध्यान दीजिए आज का सुबह का ट्रेड आपको सतपुते साहब की तरफ से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दिखा था। जी हाँ, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस था और आपकी स्क्रीन पर देखें 383 पे ये फ्लोट करता है डीलो पर, और एक रिवर्सल दिया इसने एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूवमेंट से और इस पर 383 पे ट्रेड करता हुआ एक ये ट्रेड था। और साथ ही साथ हमने सुबह एक ट्रेड लिया था कैडिला पे, शॉर्ट कॉल ली थी, याद रखिएगा, जरा कैडिला लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। डिफेंसेस में आज सुबह पहले प्रेशर जनरेट हुआ था, 422 के लेवल पे डीलो पर है, जरा वो कैडिला की 420 की पुट लेके आइए, कैडिला HC.420 वो स्क्रीन पे गई थी करीब 5.90 रुपए के आसपास, और हमने कहा था कि इसको रखिए, इट्स अ ब्रेक डाउन, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 8.50 पे ट्रेड करती हुई डे हाई पर, आप देखें सुबह करीब 11 रुपए का हाई लगा के आई थी। और कुछ काउंटर जो कि इस वक्त थोड़ा सा दिक्कत में है, उसमें आप एक देखिए जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस स्टॉक में अगर आप देखें एक मोमेंटम आया था 50 जमा को क्रॉस किया था 7 जनवरी को, लेकिन वो कोलैप्स होता रहा एक बार फिर से 3813 के स्तर पर, लेकिन मैं यहां पर व्यू नहीं लूंगा क्योंकि यह स्टॉक अभी भी अपने सारे एवरेज के ऊपर है और 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिप में कहां आप लॉजिकली बाय कर सकते हैं, प्रश्न को अपना थोड़ा सा वहां पे केंद्रित रखते हैं। लेट्स चेक अशोक लेवल, आपकी स्क्रीन पे कल स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अगर आप देखें आज थोड़ा सा बैकफुट पे आया है। होम इंप्रूवमेंट सेगमेंट में कैली पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पे 2709 पे ट्रेड करता हुआ। शर जी, चलिए आपके सामने फिलहाल TV18 ग्रुप के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, तीसरी तिमाही के आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 15% बढ़ते हुए देख रहे हैं, लगभग 1561 करोड़ मुकाबले 1361 करोड़ के, और आपने जो मार्जिन देखी है एबिटा की वो 10.7% आई है, लगभग समझिए एबिटा मार्जिन है 22.7% मुकाबले 23.6% की, मामूली सी गिरावट, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपके सामने वो 355 करोड़ आता हुआ दिखा है मुकाबले 321 करोड़ के, दिन के उच्चतम लेवल पर आपको फिलहाल TV18 ब्रॉडकास्ट का स्टॉक स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा, 50.60 रुपए का है। और आप न्यूज बिजनेस जहां पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी आपने वृद्धि देखी मार्जिन में, लगभग 27.2% ऊपर है मुकाबला और 13% ऊपर है साल दर साल। कुछ ही देर में हमारे साथ सुमित जी जुड़ते हुए दिखेंगे जो इस पर काफी चर्चा करेंगे। चलिए सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित जी क्या आंकड़े हैं TV18 ब्रॉडकास्ट के? देखिए ये YOY बेसिस पे नंबर जो शैल जी आप देख रहे हैं वो तो आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स काफी रोबस्ट आते हुए दिखाई पड़े हैं, करीब करीब 140-141 करोड़ के मुकाबले मुनाफे के मुकाबले ये 201 करोड़ का एक मुनाफे का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। रेवेन्यूज फ्रंट पर भी जो एक नंबर देखने को मिला है, ओवरऑल रेवेन्यू करीब करीब 1308 करोड़ से बढ़ के 1568 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है सीक्वेंशियल बेसिस पर। YOY बेसिस पर जो नंबर्स हैं उसमें दो तीन चीजें और बहुत क्रूशियल हैं, खासतौर से कंपनी का जो एंटरटेनमेंट बिजनेस मार्जिन है वो रफली 21.4% के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है, और एंटरटेनमेंट बिजनेस जो है उसकी आय जो है वो करीब करीब 16% के आसपास तिमाही के अंदर YOY बेसिस पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रफली 455 करोड़ रुपए इस तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किया, सीक्वेंशियल बेसिस पे ये फ्लैट स्टोन पर है, YOY बेसिस पे 468 करोड़ से घटकर आया है, और मार्जिन फ्रंट पे करीब 22% की मार्जिन है जो कि सीक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। तो YOY बेसिस पर नंबर आपको फ्लैट दिखेंगे, लेकिन हां सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर जो है वो बेटर साइड पर आ रहे हैं, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी हो रेवेन्यू फ्रंट पर हो, और शायद इसीलिए एक स्ट्रीट का थम्स अप आता दिखाई पड़ रहा है, दिन के ऊपर स्तरों पर स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो आप देख रहे हैं वो है लगभग 455 करोड़ TV18 ब्रॉडकास्ट का, और एक कमाल की बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि टीवी इंडस्ट्री ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई एडवर्टाइजिंग वॉल्यूम्स आपने आती हुई देखी हैं, तीसरी
तिमाही में। अब यहां पर आप देख ही रहे हैं कि न्यूज में काफी ट्रैक्शन है और दिन के उच्चतम लेवल पर टीवी 18 ब्रॉडकास्ट फिलहाल स्क्रीन पर चलता हुआ। चलिए यहां पर अब रचना जी को जोड़ते हैं। रचना जी, एक बढ़िया कॉल शेयर कीजिए हमारे साथ। निफ्टी दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको आता हुआ दिखेगा, 130 अंक नीचे 18,177। जी, मेरा कॉल जो है इस वक्त शॉर्ट साइड पर है ना, एंड दैट इज इन मदरसन सुमी फ्यूचर्स, एंड यहाँ पे जब तक ये काउंटर 188.5 के ऊपर नहीं चढ़ेगा तब तक नेगेटिविटी बरकरार रहेगी और डाउन साइड पे काफी ज्यादा लोअर जा सकता है। अगर पूरी मार्केट भी गिरे और ये भी गिरे साथ में तो काफी नीचे तक जा सकता है। नेवर्थनेस हम फर्स्ट टारगेट 180 पे रखेंगे एंड जो लोग स्विंग के हिसाब से खेलना चाहते हैं उनके लिए 170 एंड 165 के टारगेट्स भी मुमकिन नजर आ रहे हैं। आपकी याद रखिए, मदरसन सुमी शॉर्ट कॉल है, याद रखिएगा, और बहुत ही जल्दी याद देखिए आपने इस शॉर्ट कॉल को कन्वर्ट किया है। एक बार लिखा है ये इस स्टॉक को, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहां पर कितना बड़ा एडवांटेज रचना जी कैरी कर रही है अपने साथ। मदरसन सुमी 184.75 पे याद रखिए ट्रेड कर रहा है। कल से इसने अपनी डाउन साइड जर्नी शुरू की थी, परसों से 210 देन 200 सुबह 195 और 184 अगर आप देखें 70 पे ट्रेड करता हुआ, तो ऑटो से और विदिन द ऑटो अगर आप देखें थोड़ा डिफरेंट रहा है ये तीन स्टॉक अपनी कुछ अगर आप देखें ट्रिगर्स के चलते। खैर, ये एक शॉर्ट कॉल है, आपकी स्क्रीन पे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस मेंशन है और कुछ स्टॉक्स जिन्होंने अगर आप देखें तो प्रॉफिट को सरेंडर किया है उसमें, और इनफैक्ट कुछ क्रिटिकल लेवल वॉलेट हुए हैं उसमें, आप प्लीज एक बार लिख के आइएगा L&T इन्फोटेक। ये स्टॉक आज मैं आपको यहां पर डिस्कस इसलिए कर रहा हूं, मैंने मार्क करके रखा था, आज समझ लीजिएगा कि एक जमाने बाद 12 जुलाई 2021 के बाद एक बार फिर से ये अटेम्प्ट ले रहा है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एज को तोड़ने के लिए, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे लो की ट्रेजेक्टरी मार्केट का तबा, तो पूरा का पूरा आईटी इस वक्त आप देखें तो काफी दिक्कत में है। लेकिन यहां सब चले विषय चेंज करते हैं, अर्निंग्स पर फोकस करते हैं, सुमित से बातचीत करते हैं, बजाज ऑटो, LTI, अथारा कम्युनिकेशन, ये तीन नंबर्स आने वाले हैं, कैसे रहेंगे नंबर्स उनसे बातचीत है। सुमित, पहले बजाज ऑटो, इस वक्त कैसे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, बजाज ऑटो के लिए क्रूशियल टाइम वीरू रहने वाला है, क्योंकि जो दिक्कतें हैं हमें काफी कुछ पता भी है कि चिप शॉर्टेज है, सप्लाईज को लेकर कंस्ट्रेंट है, इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ी हुई है, तो वो इंपैक्ट हमने पिछले क्वार्टर में देखा, तो इस बार भी वही सब चीजें रहेंगी। लेकिन हाँ, सिक्वेंशियल बेसिस पे नंबर जो है आपको बेटर दिखेंगे, रेवेन्यू फ्रंट पर या मुनाफे फ्रंट पर वाईवाई बेसिस पे नंबर वीक दिख रहे हैं। 26% के आसपास मुनाफा गिरने का अनुमान है, 5% मार्जिन टूट सकते हैं, 26% ईबीटा गिर सकता है, ये सब चीजें ठीक है वाईवाई बेसिस पर, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे नंबर आप देखेंगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कंपनी का वॉल्यूम आएगा, इनके रियलाइजेशन थोड़े से बेटर होते दिखाई पड़ेंगे, सिचुएशन पिछली तिमाही कंपैरिजन में थोड़ी बेटर साइड पर आएगी क्योंकि सप्लाईज ईज आउट हुई हैं थोड़ी बहुत, चिप शॉर्टेज है लेकिन उतनी नहीं है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है लेकिन उतना नहीं है, तो शायद इंपैक्ट थोड़ा बेटर साइड पर सिक्वेंशियल बेसिस पे आता हुआ दिखाई पड़े, इसलिए वाईवाई बेसिस पे कंपैरिजन आपको जरूर थोड़ा वीक दिखेगा लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा से बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। दो तीन क्रूशियल नंबर्स में ऑपरेटिंग मार्जिन 14.5% तिमाही में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, इबीटा 26% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है, दो तीन चीजें जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी उसमें कंपनी की कमेंट्री, एक्सपोर्ट कारोबार की ग्रोथ, क्योंकि वहां से एक अपटिक शायद इस कंपनी को आता हुआ दिखाई पड़ेगा, वहां अनुमान लगाया जा रहा है कि वाईवाई बेसिस पे भी नंबर थोड़ा बेटर होगा, तो एक्सपोर्ट कारोबार को लेकर ग्रोथ, अनलॉक का इंपैक्ट या बाकी जो अब तक दिक्कतें थी उसका कितना इंपैक्ट है फेस्टिव के बाद की, तो ये कुछ चीजें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। आप बात करें तो L&T इन्फोटेक को लेकर, L&T इन्फोटेक के मिड कैप आईटी में सबसे बेहतरीन नंबर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है L&T टेक के साथ साथ, लेकिन एक क्रूशियल पार्ट ये कि ऑलरेडी कुछ हद तक बाजार इन नंबर्स को डिस्काउंट करके बैठा हुआ है। L&T इन्फोटेक के केस में जो अनुमान बाजार लगा रहा है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो डॉलर रेवेन्यू करीब करीब $54 करोड़ के आसपास आने का अनुमान है, इसके अलावा रूपी रेवेन्यू 4,094 करोड़, 3,700-3,800 करोड़ के सामने तिमाही दर तिमाही पे नंबर रहेगा, एबिट फ्रंट पे भी इंप्रूवमेंट है और मार्जिन भी 17.2 से 17.5% रहेंगे, दो
वेज हाइक का इंपैक्ट रहेगा, लेकिन अदरवाइज नंबर थोड़े बेटर साइड पर आने का अनुमान इस क्वार्टर में लगाया जाएगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। दो तीन चीजें इसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी, इनके सभी वर्टिकल्स की तरफ से परफॉर्मेंस कैसी रहती है, कि अनुमान है कि थोड़ा बेटर साइड पर सारे वर्टिकल परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे। मार्जिन फ्लैट, ऑफसेट जो इनकी यूटिलाइजेशन है थोड़ा लोअर एंड पर रहेगा, लेकिन हाई मार्जिन प्रोजेक्ट पूरा करने की वजह से मार्जिन पर इंपैक्ट इतना आता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। जो इनका मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल है वो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में यूजुअली वीक रहता है, तो उसको लेकर कमेंट्री कंपनी किस तरह की देती है ये एक और पार्ट रहेगा, इस पर नजर रखेंगे। और लास्टली इनकी डील पाइपलाइन, बड़े क्लाइंट्स का एडिशन, ये सब जो कंपनी के पुराने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी सिचुएशन, इन चीजों के ऊपर बाजार और कीनली नजर रखेगा। और लास्टली टाटा कम्युनिकेशन, इसके नंबर आएंगे, पहली बार एफएनओ में शामिल होने के बाद स्टॉक अपने नंबर देने वाला है। यहां पर भी अनुमान है कि वाईओवाई बेसिस पर नंबर बेटर साइड पे दिखेंगे, लो बेस का एक बड़ा बेनिफिट टाटा कॉम के नंबर्स में रहेगा वाईओवाई बेसिस पर, रेवेन्यू एबिटा पैट तीनों में ही, लेकिन हाँ सिक्वेंशियल बेसिस पे नंबर थोड़े से सबड्यूड क्वार्टर के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जिन चीजों पर आपकी नजर रखनी होगी उसमें इनका जो एक अदर इनकम का हेड है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से पैट पे इंपैक्ट होगा, टैक्स पड़ेगा जिसकी वजह से भी पैट के ऊपर एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन वॉइस बिजनेस किस तरह परफॉर्म करता है और उसके अलावा आने वाले समय के लिए कंपनी डिजिटल को लेकर क्या अपनी वक्तव्य देती है, ये कुछ चीजें होंगे इसको बाजार की वॉच रहे। लेकिन वाईओवाई बेसिस पर नंबर अच्छे दिखेंगे टाटा कॉम के, सिक्वेंशियली थोड़ा वीक रहेंगे। बाजार शायद आज डिस्काउंट कर रहा है, 4% शेयर ऑलरेडी नीचे। चलिए ये आपके नतीजे फिलहाल आते हुए दिख सकते हैं, जहां पर बाजार की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सुमित जी ने बयान करी। परेशानी फिलहाल भारतीय बाजारों में बढ़ती हुई दिख रही है। आपके सामने फ्यूचर्स मार्केट्स में यूएस में काफी बिकवाली है, 263 पॉइंट नीचे आपको डाउ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर्स में 35,530 के आसपास, और ज्यादा गिरावट आपको नैस्डैक में आती हुई दिख रही है, 2% का कट अब 15,290। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, काफी सुबुराहट अमरीकी बाजारों में है कि आपको एक यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से एक रेट हाइक शायद आता हुआ दिखे, और वो सब्सटैंशियल रेट हाइक होगा। साथ ही साथ बढ़ती हुई 10 साल की बॉन्ड यील्ड यूएस के लिए, और ग्लोबल मार्केट्स में तेल का दाम $88 के पार जाना, यानी कि नवंबर 2014 के आसपास के लेवल्स आपके सामने भारतीय बाजारों के लिए एक चिंता का विषय बने हुए। दिन के लोएस्ट लेवल पर निफ्टी 18,150। मानस जायसवाल साहब को जोड़ेंगे। मानस जी, क्या लगता है, कोई शॉर्ट ट्रेड आप निफ्टी पर सजेस्ट करेंगे? और बैंक निफ्टी जो 38,800 को क्रॉस कर गया था, अब 38,471। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पे वो थोड़ा सा बेरिश बन रहा है, और इसमें कोई कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी 15-20 दिनों में बहुत ही बढ़िया रैली देखी है। तो एक छोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें करीब 17,950 तक के तक देखने को मिल सकते हैं, करंट लेवल से भी 200 पॉइंट का और करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस मंदी को अगर खेलना है, इस करेक्शन को हमें खेलना है, तो हमें पुट ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड लेना पड़ेगा। 18,100 की पुट ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, वहां पर आप ट्रेड करिए। मैं जो 27 जनवरी के ऑप्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 18,100 का ऑप्शन, फुट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो उसके भाव इस टाइम चल रहे हैं ₹147 के करीब लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ₹100 के नीचे लगाइए, लेकिन शायद ही मेरा मानना है कि यहाँ पर आपको करीब करीब ₹250 के भाव देखने को मिलेंगे। ये कमजोरी आपको बाजार में आती हुई दिख रही है 9 दिन की एक शानदार रैली के बाद, और हीट मैप आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे, आप देखिए किस तरीके से यहां पर अब जो बिकवाली है वो बढ़ती हुई दिख रही है। सुबह जब आप हमारे साथ जुड़े हुए थे तो बराबर का एडवांस क्लाइंट रेशियो था, अब कौन कौन से काउंटर्स हैं जो आपको निफ्टी को बचाते हुए दिख रहे हैं? चारों बैंक्स जिनकी चर्चा हो चुकी है, टाइटन, डॉक्टर रेड्डीज और IOC, बाकी हर तरफ आपको यहां पर मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। 4% नीचे आपको मारुति दिखेगा। टेक स्टॉक्स पर खासा ध्यान दीजिए, अमेरिका के चलते जहां पर वहां पर आपको लगभग 2% का कट नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रहा है, ज्यादातर टेक्स में बिकवाली है। 4% नीचे टेक महिंद्रा, यहां पर आपको सेल कॉल आती हुई दिख रही है मानस जायसवाल साहब की तरफ से। HCL टेक में सुबह से ही हम लोग बिकवाली ट्रैक कर रहे हैं, उन्होंने ही एक सेल कॉल और दी थी। आपके सामने विप्रो नीचे ट्रेड करता हुआ 633, 2% का कट। TCS आपके सामने 3,984 पर चल रहा है, यहां पर भी आप 1% का कट देख रहे हैं, और इंफोसिस भी आपको
फिलहाल लाल निशान में दिखेगा। यहाँ पर भी हम लोग गिरावट फिलहाल ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा वसूली मेटल काउंटर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये भी ग्लोबली लिंक्ड है और रिकॉर्ड हाई से आपको करेक्ट करता हुआ दिखेगा। एलएनटी 2% पीछे, ध्यान दीजिए 2074 की आपने रिकॉर्ड हाई यहाँ पर लगती हुई दिखी थी। सिर्फ और सिर्फ बैंक्स रक्षा करते हुए निफ्टी के। वीरेन जी शैलजी आपकी स्क्रीन पर देखें निफ्टी 18143 पर और करीब 38440 पर अपना निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक देकर हाजिर होते हैं और फिर उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के बाद आप सभी का कवाई का बेनिफिट से स्वागत है और करीब करीब 18140 पर देखें आपका निफ्टी ट्रेड करता हुआ। 18156 पर निफ्टी फ्यूचर्स 180 अंक नीचे, 38370 के स्तर पर इस वक्त निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट से आप देखें यूएस फ्यूचर्स इस वक्त कर देखें इन मार्केट्स को थोड़ा सा पैनिक में डाल रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस जोन था निफ्टी पे 18166, वो वॉलेट हुआ है याद रखिएगा। मेरा कॉन्फिडेंस था 18166 पर, क्यों? क्योंकि एज पर यस्टरडेज स्टैट्स याद रखिएगा, जो भी पुट राइटिंग खड़ी थी हमारे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में वो थी 18200 की स्ट्राइक में करीब करीब 4,43,000 शुरू की, 44,34,000 शुरू की माफ कीजिएगा, वो जोन था, वो वॉलेट हुआ है थोड़ा सा। तो यूएस फ्यूचर्स का प्रेशर एक इंपॉर्टेंट पिवट लेवल आपसे ले गया, लेकिन याद रखिएगा अभी कोई एज पर मेरी रणनीति कोई वरा देखिए पुट ऑप्शन या फिर शॉर्टिंग का थॉट निफ्टी पर नहीं है। खैर ये मेरा व्यू था, लेकिन आप चलते हैं यतिन के पास, डीगर्स का व्यू क्या है, उनका अगर आप देखें तो रुझान किन स्टॉक्स पे लॉन्ग है, किन स्टॉक्स पे शॉर्ट, आज आईटी में काफी मुनाफा वसूली है, बैंक स्ट्रांग है, या फिर बताइए डीगर्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को और यूएस फ्यूचर्स इस वक्त थोड़ा सा अगर देखें पैनिक करते हुए कैसे रीड कर रहे हैं वो इसको। आई थिंक एक टेक्निकल ग्लिच है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं फिर बातचीत करेंगे। लेकिन आपकी स्क्रीन पर आप देखें जो स्टॉक्स वाकई इस वक्त दिक्कत में है, एक बार आप लेके आइए एक बार नौकरी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे स्लिप करता हुआ और ये थोड़ा सा जो इसका पैटर्न है ना खराब है। माना ये आपका कंडीशन ट्रेड था 2-3 दिन पहले और इसने अगर आप देखें अच्छा मोमेंटम दिया भी, लेकिन ये रिवर्स भी एग्जैक्टली पॉइंट से हुआ है, वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। माइनस नौकरी पे आपका टेक क्या होगा? इट्स अ फ्री फॉर नाउ फॉर नौकरी 43.11। देखिए एक की सपोर्ट था नौकरी पे 54.75 के आसपास और वहीं पर इसका 200 मूविंग एवरेज भी था, वो ब्रेक होना डेफिनेटली एक बेरिश साइन है नौकरी के लिए। मेरा समझना है कि अब तो शायद आपको 5,000 या तो 4,4900 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। कभी कोई उछाल मिले तो बेहतर यह रहेगा कि अपनी लॉन्ग पोजिशन से निकलने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से संपर्क विच्छेद हमारा वीरेन जी से भी होता हुआ दिख रहा है। आशीष बहेती साहब को इस चर्चा में जोड़ते हैं। आशीष जी आप ग्लोबल इंडिसेस भी ट्रैक करते हैं और काफी सारे कट्स हमारे सामने डाउ और नैस्टैक फ्यूचर्स में भी आते हुए दिख रहे हैं, जरूर इनका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। क्या लगता है आपको निफ्टी में हम लोग पहले दिन की गिरावट ट्रैक कर रहे हैं 9 दिन के शानदार रैली के बाद, और अगर आप देखें 20 दिसंबर के लो से जब 16400 इंडेक्स था तो वहां से आपने लगभग 2000 अंक ऊपर किए हैं, क्या लगता है निफ्टी? जी शेल्फर, जिस हिसाब से निफ्टी ने 18200 अहम क्रूशियल लेवल तोड़ा है और जो हिसाब से सेलिंग कंटिन्यूसली दिख रही है ऑटो और आईटी दोनों सेक्टर्स में, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, बाकी भी सारे सेक्टर्स में भी काफी जैसे सीमेंट एंड मेटल में भी काफी सेलिंग दिख रही है। हमें लगता है कि निफ्टी जरूर एक बार 18,000 को ब्रीच कर देगा और 17,900 या 17,950 एक बार जरूर री टेस्ट होगा। करंट लेवल पे जैसे मानव जी ने भी बताया था कि पुट से ही बेटर है ट्रेड करना, और जो 18,000 का पुट है उसमें भी एक पोजिशन बनाई जा सकती है, 118 रुपए करीब चल रहा है वो ट्रेड पुट, तो उसमें खरीदारी की जा सकती है। 30 रुपए का एसएल मेंटेन करना है, यहाँ से 30 रुपए नीचे तो 80-90 रुपए के करीब का वो एसएल है 85 का,
तो वो मेंटेन करके हमें लगता है कि इसमें 200 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए ये रणनीति आपके सामने पुट के जरिए बताते हुए आशीष बहती साहब, उनको लगता है 17,950 आपको निफ्टी पर आता हुआ दिख सकता है और इसीलिए उन्होंने 18,000 के पुट को खरीदारी की राय आपके सामने दी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, डॉक्टर साहब दिखाइए इंडिया विक्स। जी हाँ, देखिए ये अब 6% बढ़ता हुआ, ये हमारे देश का फियर इंडेक्स है, यानी कि गिरावट में इसमें आप इजाफा होते हुए देखते हैं और ये फिलहाल 6% ऊपर 17.78। डॉक्टर साहब जो 5 सबसे इंडिसीज हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई दिख रही है वो भी स्क्रीन पर प्रस्तुत कर दीजिए, हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि ये सिर्फ निफ्टी लेड फॉल नहीं है, यहां पर आपको ब्रॉडर मार्केट्स में भी मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। निफ्टी का 100 इंडेक्स आपके सामने और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही लाल निशान में है। ध्यान दीजिए कम से कम स्मॉल कैप इंडेक्स आपको अपने रिकॉर्ड हाई से करेक्ट करता हुआ दिख रहा है, 12,000 को पार आज इसने सुबह किया था और वहां से आपको 2.2% का कट दिख रहा है, लगभग 17,219। अलावा इसके आपने जो गिरावट देखी है वो ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा देखी है, ये काउंटर आपको 1.8% नीचे चल रहा है और मेटल्स इंडेक्स 1.7% की गिरावट 5,785 पर, मेटल्स इंडेक्स फिलहाल यहां पर गिरावट में ट्रेड करता हुआ। वीरेन जी चलिए शैल जी अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्सेस के बारे में थोड़ा सा बताएं और हमारे इंडेक्सेस की प्राइस परफॉर्मेंस। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त थोड़ा दिक्कत में है, मैंने सुनी की रचना भी शॉर्ट कॉल दी अच्छा करती हुई, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो कि डे हाई पर रोल कर रहे हैं, ओहो लुक एट नेस्ले 19.4-6 पर, बड़ा इंटरेस्टिंग दिन चुना इसने आप देखें चलने के लिए, जब पूरा का पूरा बाजार अगर आप देखें परेशान है आपका नेस्ले डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके खड़ा है। राजेश पालवे जी चलिए कोई तो होगा कम से कम जिसके चेहरे पे आज मुस्कुराहट होगी, नेस्ले का ही इन्वेस्टर क्यों हो, 19.412 एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल लेवल से पुल बैक आया, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस पुल बैक को और आपकी इस स्टॉक पे अप्रोच क्या है? देखिए मार्केट में जिस तरीके से सप्लाई बनी, हालांकि स्टॉक में देखे तो एक करेक्शन के दौर से गुजरते हुए दिख रहा था नेस्ले में, लेकिन आज एक पुलबैक जरूर बनाया, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि जब तक ये 19,500 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है इस पुलबैक का, तो हमें लगता है 19,600 का लेवल अगर ये निकाल लेता है तो फिर यहाँ से और भी पुलबैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं, अदरवाइज हमें लगता है ये पुलबैक में कहीं ना कहीं वापस सप्लाई बनेगी 19,600 के आसपास। और आपने कॉन्फिडेंस जोन जो था 18,200 का 18,166 का उसको वॉलिट कर दिया है। अब आते हैं यतिन के पास, लीडर्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस फॉल को और उनकी अप्रोच क्या है समझने की कोशिश करते हैं, यतिन बताइए। देखिए जहां तक डीलिंग रूम्स का सवाल है, आज के सत्र में हमने देखा है कि 8-9 दिनों की जो तेजी है उस पर ब्रेक लगा है और ये जो फॉल है वो सडन और स्विफ्ट है, एक्सपेक्टेड नहीं था। हालांकि ग्लोबल इंडिसीज में आपको प्रेशर दिख रहा है जिसके कारण भारतीय बाजारों में आप इंपोर्टेड मंदी देख रहे हैं। जहां तक कि डीलिंग रूम्स के पिक्स का सवाल है, दो स्टॉक्स जहां वो खरीदारी के सलाह अभी भी दे रहे हैं फॉल के बावजूद, उनमें सबसे पहले है डॉक्टर रेड्डीज, बहुत जल्द कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं और इसके पहले पहले पोजीशनिंग भी काफी अच्छी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है वायदे बाजार में। अगर आप बात करें आज तो पोजिशनली खरीदारी की सलाह वो डॉक्टर रेड्डीज पे दे रहे हैं 4,850 रुपए के पहले टारगेट के साथ और ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग आज 3-3.5% का इजाफा हुआ है तेजी की तरफ। FII स्टॉक्स खरीद रहे हैं फार्मा क्षेत्र से आज। इसके अलावा कोलगेट पे बात करते हैं, ये FMCG स्टॉक है, काफी रिजिलियंट है ऐसे बाजार में। यहाँ BTST की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, 1500 से लेकर 1525 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है और काफी अच्छी आपको डोमेस्टिक फंड खरीदी कोलगेट जैसे काउंटर्स में आज दिखाई दे रहे। तो कोलगेट भी एक ऐसा FMCG स्टॉक है जो 2-3 दिन के लिहाज से डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग बुक में सुझा रहे हैं।
चलिए यहाँ पर दो लॉन्ग कॉल्स आती हुई कोलगेट और डॉक्टर रेड्डीज पर। कोलगेट पर ध्यान दीजिए, हम लोग काफी समय से आपको इस बीटन डाउन वैल्यूएशन पर खरीदारी की राय दिलवा ही रहे हैं और इस वक्त एक बढ़िया चार्ट चेक बनता हुआ। श्रीकांत चौहान साहब से जुड़ेंगे। श्रीकांत जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे कोलगेट पर? फिलहाल हर तरीके के डीएमए के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, 200, 100, 50 और 20। बिल्कुल, तो दोस्तों जैसे काफी रेजिलिएंट है नो डाउट। हमने पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से स्टॉक की जो एक्टिविटी कर जो ट्रैक की है वो तकरीबन 1480-90 और नीचे में 1400 के लेवल्स, इसी लेवल्स के अंदर है। और अगर शायद अगर मार्केट में अगर एफएमसीजी स्टॉक्स में अगर एक डिफेंसिव बाइंग बनती है तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले और कोलगेट जैसे स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट एक पुलबैक मोड में था और उस पुलबैक मोड के एक आखिरी दौर को हिट करने के बाद एक काफी स्ट्रांग रिवर्सल बना है और काफी सारे हेडविंड्स है। तो अगर हमें यहाँ पे अगर कोलगेट में अगर कोई भी लॉन्ग पोजिशन अगर बनानी है तो हमें यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना काफी जरूरी है। हम 1430 के स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे। अगर उसके नीचे अगर वापस आ जाता है स्टॉक तो शायद इसमें बिकवाली बन सकती है। लेकिन करंट लेवल से अगर सेक्टरल परफॉर्मेंस अगर आता है तो 1430 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है। आपकी कोलगेट पे राय है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और 1470 पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चलिए और कुछ स्टॉक्स लिखे आइए आपके स्क्रीन पर। ये डीलिंग रूम स्टॉक्स थे जिन पर एक व्यू हम दे रहे थे। अंबुजा सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पे डी लो पर आके फ्लोट करता हुआ, डी लो पर। आप इसे कहीं ना कहीं कल के अल्ट्राटेक सीमेंट के स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के बाद एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल की संज्ञा दे सकते हैं। डी लो पर स्टॉक लुक एट अंबुजा सीमेंट्स। उसके बाद आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, आज सुबह स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे हम, एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल हुआ है और ग्रेसिन वगैरह देखें डीलो पे ट्रेड करता हुआ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक और ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बहुत स्ट्रांग था, अब बैकफुट पे आकर ट्रेड करता हुआ। और एनजीएल इस स्टॉक को भी देखिए आपके स्क्रीन पे डीलो पर 4867 पे आकर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी एट डीलो 18107। राजेश पालवे जी, अब थोड़ा सा मोमेंटम कॉल्स के बारे में बात करते हैं। यहां पे अब आप एक डिलेमा में हैं, आप किस पे फोकस करें, अपने 18,000-18,100 के जोन पे कॉन्फिडेंस रखें या जिस प्रकार से क्रूड में एक रैली आई है, यूएस स्टॉक फ्यूचर्स एक दिन के विलंब के बाद जब खुलेंगे तो पेन दिखा रहे हैं और रेट हाइक की पॉसिबिलिटीज, इसके बीच में आप एग्जैक्टली न्यूट्रल जाना चाहेंगे, कोई ट्रेड ना कैरी करना एक अच्छी रणनीति होगी या फिर आप कुछ कैरी करेंगे, कोई कुशन बाय करके चलेंगे यहां पर? तो वीरेन जी देखिए, मेरा स्टैंड तो ये रहेगा कि आज न्यूट्रल जाना चाहिए, कल की ओपनिंग के बाद ही डिसाइड करना चाहिए किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ग्लोबल क्यूज जो रहेंगे उसका एक रिएक्शन जरूर हमारे मार्केट में ओपनिंग में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मार्केट में काफी बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है और सारे ही सेक्टर ने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया। पिछले दिनों में हमने देखा सारे सेक्टर्स में एक अच्छी रैली ऑलरेडी बन चुकी, तो करेक्शन भी एक ड्यू था मार्केट के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी रैली 8-9 दिन की एक रैली के बाद एक करेक्शन था, वो भी एक हेल्दी साइन है मार्केट के लिए। तो हमें लगता है कि आज न्यूट्रल ही रहना चाहिए मार्केट में, कल की ओपनिंग के बाद ही यहाँ से डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्ले आउट करना है। हालांकि लेवल्स की बात करें तो अभी भी 18,000 का लेवल इंटैक्ट है, तो टेक्निकली तो अभी भी स्ट्रक्चर इंटैक्ट ही है बुलिश साइड में, बट कल की ओपनिंग जरूरी देखना होगी कि हम ये 18,000 के लेवल को कल ओपनिंग में होल्ड कर पाते हैं। अगर वो होल्ड होता है तो बिल्कुल वहां पे फिर बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। काफी स्टॉक्स में एक अच्छा पुलबैक आज के सेशन में देखने को मिला है, जो ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग कह ले या एक वीकनेस जो बनी है कुछ स्टॉक्स में, तो वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी बन रही है वापस से बाय करने की। तो कल के सेशन में ओपनिंग के बाद 18,000 का लेवल अगर ओपनिंग में होल्ड करता है तो वापस से हम बाय करने की चेष्टा करेंगे। चलिए, आपके सामने बिकवाली फिलहाल हावी होती हुई दिख रही है भारतीय बाजारों में। डायरेक्ट साहब ले आइए जरा निफ्टी और अब दिखाइए निफ्टी बैंक। जी हाँ, 38,850 का आपने आज का उच्चतम लेवल देखा था और वहां से समझिए कि लगभग 800 पॉइंट निकलते हुए दिख रहे हैं दिन के उच्चतम लेवल से और अब निफ्टी बैंक लाल निशान में। ध्यान दीजिए, ये करीब 1.5-2% ऊपर था 2 बजे। बढ़िया मोमेंटम आप शॉर्ट साइड पर अब डेवलप होते हुए दिख रहे हैं और फियर इंडेक्स की हम लोगों ने थोड़े समय पर चर्चा दी। चार ऐसी अहम चीजें जो भारतीय बाजारों को फिलहाल परेशान करती हुई 9 दिन की शानदार रैली में, वो फिलहाल स्क्रीन पर हैं और ये सब
आपको अमरीकी बाजार से आती हुई दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज बिगड़ते हुए 1:4 यानी कि बढ़ने वाले एक शेयर के सामने गिरने वाले चार शेयर फिलहाल स्क्रीन पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल संकेतों की वजह से आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है भारतीय बाजारों में। यहां पर यूएस 10 ईयर यील्ड जो बॉन्ड्स की है वो अब आपको 2 साल के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करती हुई दिख रही है। और यहां पर जो परेशानी है वो इसलिए है क्योंकि बहुत लोग ये अब मान के चल रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से आप एक काफी मजबूत रेट हाइक आते हुए देख सकते हैं अगले हफ्ते। और कच्चा तेल जो भारत इंपोर्ट करता है, हमारे देश का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो कच्चे तेल का है, आपको नवंबर सन 2014 के उच्चतम लेवल पर $88 प्रति बैरल बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से आप जो हमारे देश में बिकवारी देख रहे हैं उसका एक और कारण भी है कि डाउ और नैस्टैक फ्यूचर्स आपको जबरदस्त सेल मोड में दिख रहे हैं। डाउ का फ्यूचर अब लगभग समझिए 290 अंक नीचे 35,506 के आसपास चल रहा है और 2 से 2.5% का कट आपको नैस्टैक फ्यूचर्स में आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, चलिए तो यूएस ने यूएस मार्केट का दबाव इंडियन मार्केट्स पर शेयर जी ने आपको बखूबी समझाया और यहां से मोमेंटम कॉल्स याद रखिएगा थोड़ा लॉजिकल होके लेंगे। जब यूएस मार्केट से जिस प्रकार के संकेत और बाकी जो दूसरे अगर आप देखें जो अंडरलाइंग्स हैं जैसे फूड है वो थोड़ा सा उसका बिहेवियर ठीक ठाक नहीं है, इक्विटी मार्केट्स के फेवर में नहीं है तो थोड़ा लाइट रहेंगे। मयूरेश जी, आप एक थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए एक सेंसिबल अप्रोच स्पेशली फॉर ट्रेडर्स लॉबी थोड़ी सी बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखें हम थोड़े डिफरेंट अंदाज में थे, हम एक प्री बजट रैली में थे बट सडनली आपको अगर आप देखें जो वर्ल्ड मार्केट्स के डेवलपमेंट है उनको भी फेस करना है, आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते। आप कैसे रीड करते हैं इस पूरे के पूरे अगर आप देखें आज के बिहेवियर को, स्पेशली जिस बिहेवियर ने हमको 2 बजे के बाद स्ट्राइक किया है? एब्सोल्युटली आई थिंक थोड़ा सडन फॉल ही आया था मार्केट में और इंडिया विक्स में जो 6% की वृद्धि देख रही है आई थिंक दैट इज इंडिकेटिंग द फियर जो मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे शैल जी ने बताया आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं कि यूएस के फेडरल रिजर्व शायद मार्च महीने में ही एक रेट हाइक लेके आएंगे और टाइटनिंग का प्रोसेस में 2 से 3 हाइक्स शायद ये वर्ष में हो सकती है। दूसरा आई थिंक क्रूड का बढ़ना आई थिंक एक संकेत होता है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की तरफ, क्योंकि जो क्रूड के सेकंड राउंड इफेक्ट्स होते हैं और ये हमने बखूबी देखा है ग्लोबल मार्केट्स में और लोकल मार्केट्स में भी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने के कारण आई थिंक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और जो इनपुट कॉस्ट होती है जो काफी इंडस्ट्रीज कंज्यूम करती है उनके आई थिंक कॉस्ट बढ़ते हैं और इसलिए आई थिंक जो एंड यूजर होता है उसके पॉकेट पे हिट होता है। तो आई थिंक एक सेकंड राउंड ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन शायद इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग वर्ल्ड पे भी आ सकता है, क्रूड रिमेंस अबाउट दिस लेवल और मार्केट्स को शायद ये बात का डर लग रहा है। पर मुझे लगता है कि ये ट्रांजिटरी फेज है क्योंकि इंडिया के केस में वीरू जी अगर आप देखें कहते क्रूड एक्सपेक्ट हमारे ग्लोबल एनालिस्ट कर रहे हैं कि एक रेंज में ही रहेगा और जैसे मैंने कहा एक नियर टर्म थोड़ी स्पाइक दिखेगी बट ओवर नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये नॉर्मलाइज होना चाहिए। फूड आई थिंक अगर आप राबी का हार्वेस्ट देख रहे हैं इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए फूड रिलेटेड इन्फ्लेशनरी कंसम्पशन भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने ना मिले, इसलिए जो ग्लोबल इन्फ्लेशन के साथ झगड़ेगा इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स भारत शायद रिलेटिवली बेटर ऑफ हो सकता है। हालांकि ग्लोबल सप्लाई चेन के वजह से obviously I think there will be an impact and the economy will be spared. So मुझे लगता है I think this is more global in nature जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ। और जहाँ तक I think volumes का सवाल है I think कल के हम जो track कर रहे थे video में नहीं, yesterday's volumes for the overall market were close to 270 million. आज 3:05 205 million हुए हैं। तो मुझे लगता है I think ये जो sell-off हो रहा है, ये जो shakeout हो रहा है, ये relatively lower volumes पे है compared to yesterday. और इसलिए I think it's a healthy sign क्योंकि अगर ये shakeout lower volumes पे हो रहा है तो अगर निफ्टी जैसे परवेश जी या श्रीकांत जी बता रहे थे 17,900-18,000 पे आकर अगर सेटल भी होता है जस्ट इन केस तो मुझे लगता है आई थिंक वहां पे एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए एंड देन वी शुड अगेन फोकस बैक बजट और बजट के अनाउंसमेंट्स को लेकर। तो आई थिंक इट्स अ गुड शेकआउट इन माय ओपिनियन वीडियो इफ यू फ्रैंकली आस्क मी, पर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, आई थिंक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ये मार्केट्स इन दो दिन में आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी और। जी मयूरेश जी आपके सामने समझिए जो आज दिन का उच्चतम लेवल निफ्टी में था वो था 18,340 और अब आपके सामने
18,090, तो आपने यहां पर 250 अंक का कट आते हुए देखा है, 600 अंक का कट आपने आते हुए देखा है सेंसेक्स पर, और 800 अंक का कट आपने दिन के उच्चतम लेवल पर बैंक निफ्टी पर आता हुआ देखा है। चलिए अब शुरू करते हैं यहां पर मोमेंटम कॉल्स का सिलसिला। सबसे पहले यहां पर रचना जी को जोड़ते हैं। रचना जी, आपने फ्रंट फुट पर बैटिंग करी और आपकी तरफ से एक शॉर्ट कॉल हम लोग फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं मदरसन सुमी में। अब कल के लिए आप ऐसा क्या करेंगी आज? जी शॉर्ट सेल भी बने रहेंगे, एसटीपीटी कल ऑफर कर सकते हैं, और हालांकि वो भी थोड़ा लेट है करने के लिए, बट फिर भी डाल रहे हैं भारत में। आई एम एक्सपेक्टिंग सम फर्दर फॉल, और फ्यूचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जब तक ये काउंटर 1995 के नीचे बना रहेगा तब तक ऑल चांसेस की है। कल तक हमें 1965 एंड 1950 की तरफ ज्यादा हुआ फ्यूचर्स का नजर आ सकता है। सेल कॉल सीमेंट स्पेस पर आपको आती हुई दिख रही है 2000 के नीचे काउंटर, और टॉप लूजर्स में से धालमिया भारत सीमेंट आपके सामने। श्रीकांत चौहान साहब से जुड़ते हैं। श्रीकांत जी, आपकी एक सेल कॉल थी कोफोर्ज पर जो फिलहाल बहुत बढ़िया काम करती हुई दिखाई है, बताइए क्या मूड है आपका कल के लिए? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि जैसे बॉन्ड यील्ड काफी बढ़ चुकी है और 1.8580 प्लस में ट्रेड अगर कर लेंगे तो उसका क्लियरली जो इफेक्ट आता है या इंपैक्ट आता है वो इन स्टॉक्स पे आता है जहां पे वैल्यूएशन आर क्वाइट एक्सपेंसिव, और उसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो आईटी कंपनीज है वहां पे, इनकी मिड कैप आईटी कंपनीज, वहां पे सेल ऑफ और बढ़ सकता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक के जहां पे वैल्यूएशन आर वेरी रिच, जैसे कि पीडी लाइट है या तो एशियन पेंट्स है, हमें लगता है कि करंट लेवल से अगर शॉर्ट करना है तो काफी क्लियरली सेक्टर स्पेसिफिक शॉर्ट करें, एम्फेसिस बीएसएल को शॉर्ट करके चले जो 3200 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहां पर हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद करेक्ट होकर 3100 से लेकर 3050 के लेवल दिखा सकता है, और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वह रखेंगे स्टॉप लॉस 3260 रुपए के करीब का। चलिए तो इस बीच अगर आप देखें तो और कुछ कॉल्स ले लेते हैं, और आशीष बहती जी आप क्या कॉल कैरी करेंगे कल के लिए? जी वीरू जी, आईशेयर मोटर्स काफी वीक लग रहा है, जिस हिसाब से आज इसने करीब करीब 8-10 दिन के अपने लोस को निगेट किया है, ब्रेक किया है, हमें लगता है कि एक ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट करके अब एक नया फ्रेश लो बनाने के लिए तैयार है। करंट लेवल पे शॉर्टिंग की जा सेलिंग की जा सकती है, उसमें 2790 का स्टॉप लॉस लगाकर 2660 तक के टारगेट दिख रहे हैं, 10% का ओवर बेटअप भी है इसमें, तो वीकनेस काफी ज्यादा दिख रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। ओके, तो आप आयुषा मोड को शॉर्ट करेंगे यहां पर। माना जयसवाल जी, आपका ये मूड कुछ खराब ही लग रहा है, आप बताइए आप भी शॉर्ट कॉल लेंगे जाएंगे? बिल्कुल शॉर्ट कॉल लेंगे, और वो शॉर्ट कॉल रहेगा डेल्टा कॉर्पोरेशन पे। डेल्टा कॉर्प को मैं इसलिए शॉर्ट करूंगा करेंट लेवल्स पे क्योंकि जो सपोर्ट था 285 का स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है, 20 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आर्ली चार्ट को देख के लगता है कि ये लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे, तो मेरा समझना है कि डेल्टा कॉर्प एक सेल ट्रेड लेना है जहां आपके स्टॉप लॉसेस 291 के ऊपर रहेंगे, लेकिन टारगेट भी बढ़े रहेंगे, 260 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं डेल्टा कॉर्प। मनोज जी, पीछे जो पैंथर है इसका मूड कैसा लग रहा है आपको? ये पैंथर है कि जगुआर है? नहीं, ये पैंथर है और इसका मूड भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्रकाश जी सर, आपकी कॉल क्या है? मेरी कॉल आज मैं शॉर्ट दूंगा लाल पैथलैब्स, काफी दिनों से गिरावट देख रहे हैं, वीकनेस है, स्ट्रेच हो सकती है गिरावट, स्टॉप लॉस होगा 3420, ये एक पहला है, टारगेट राउंड फिगर 3300, वहां तक तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर देखेंगे, लेकिन वीक लग रहा है लाल पैथलैब्स। 5% काउंटर नीचे है, और आप इस गिरावट में जो इजाफा देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट में वो है लगभग 25%। लाल पैथलैब पर आपको बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। वीरेन जी, मुझे लगता नहीं कि आपने इतना जबरदस्त बेरिश फेज हमारे टेक्निकल पैनल में पिछले कुछ समय में देखा। हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 शॉर्ट कॉल्स फिलहाल स्क्रीन पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, और मूड बिल्कुल बदलता हुआ। लाल पैथलैब आपके सामने 200 डीएमए के आसपास है, और गावा साहब जिस हिसाब से इसको ट्रैक कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं कि यहां पर और बिकवाली आती हुई दिख सकती है। तो 5 शॉर्ट कॉल्स आपके सामने स्क्रीन पर। महेश जी,
ये बैलेंस लाने का जो जरिया है वो आपके मजबूत कंधों पर है। आप रिसर्च गुरु हैं, बताइए क्या पसंद आता है। हर तरफ आपको एक गहराता हुआ लाल निशान दिखेगा, अमरीकी बाजारों में, फ्यूचर्स में, यूरोपियन मार्केट्स में, कैश में, और फिलहाल हल्का सा गहराता हुआ लाल रंग भारतीय बाजारों में भी। क्या लगता है आपको? जिसमें कह रहा था आई थिंक 17,900 आई थिंक अच्छा सपोर्ट आना चाहिए और ये शेकआउट अच्छा है क्योंकि लोअर वॉल्यूम्स पे हो रहा है। जहां तक आई थिंक सेक्टर्स का सवाल रहा है, जिसमें कह रहा था आई थिंक लॉजिस्टिक्स एज ए स्पेस को भूलना नहीं चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग एज ए स्पेस आई थिंक गवर्नमेंट का इस पर जबरदस्त फोकस रहने वाला है इवन इन द बजट। आई थिंक प्योर बीटीएस ट्रेड अगर देखना है, आई थिंक दिस इज एंटायर स्पेकुलेटिव क्योंकि मेरा इतनी पकड़ नहीं है, बट अजमेरा रियलिटी शायद देख सकते हैं क्योंकि एज पर दी ओनली मेथोडोलॉजी, हालांकि आई थिंक फंड्स बहुत ज्यादा है नहीं इसमें, बट प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव जस्ट पिवट को क्रॉस कर लिया, इसका जो 422-424 का पिवट था दैट हैज बीन क्रॉस विद हैवी वॉल्यूम्स और आज भी इन द मार्केट सेल ऑफ इट इज हेल्ड ऑफ रिलेटिवली बेटर। तो मुझे लगता है प्योरली अगर कोई बीटीएस ट्रेडिंग के हिसाब से देखना है तो अजमेरा रियलिटी को डेफिनेटली देख सकते हैं, बट ये स्पेस में गवर्नमेंट फोकस जबरदस्त रहने वाला है अफोर्डेबल हाउस। एक तरफ पांच बिकवाली के और एक लॉन्ग कॉल आपको अजमेरा रियल्टी पर देते हुए दिख रहे हैं हमारे रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब। ध्यान दीजिए, लो कॉस्ट हाउसिंग की माहिर कंपनी है अजमेरा रियल्टी, और अगर आप 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कम से कम 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें अजमेरा रियल्टी का, तो आपने यहां पर बहुत जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न देखे हैं। राजेश पालिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी बताइए क्या कदम उठाना चाहेंगे आप कल के लिए आज? तो शेल जी देखिए, सीमेंट सेक्टर में काफी वीकनेस देखने को मिली, जिस तरीके से सारे सीमेंट स्टॉक में सेल ऑफ देखने को मिला, हमें लगता है अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे शॉर्ट जाना चाहेंगे। जिस तरीके से आज एक बड़ा कट स्टॉक में देखने को मिला और जिस तरीके से सेलिंग बाकी स्टॉक्स में सीमेंट स्टॉक्स में बन रही है, हमें लगता है कल भी यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है प्रेशर। तो अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर में यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे, 381-382 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें 387 का स्टॉप लॉस रखेंगे और शॉर्ट साइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 370 से 368 तक के, तो अंबुजा सीमेंट फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। हमने 6.5% नीचे आज अंबुजा फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और ये जो आपने गिरावट देखी है इसमें ओपन इंटरेस्ट 17% बढ़ता हुआ। अब डायरेक्टर साहब शुरू करते हैं समापन समारोह, लेके आइए निफ्टी का हीट मैप और दिखाइए किस तरीके से आज क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। ये चिंता का विषय है 1:4। निफ्टी आपके सामने 1% नीचे है, यहाँ पर वैसे तो प्रतिशत के दौर पर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद ये जो आप बिकवाली देख रहे हैं कल और कंटिन्यू होती हुई दिखे। 18,340 का उच्चतम लेवल आपने निफ्टी में देखा। निफ्टी बैंक पर नजर डालिए, फिलहाल कोशिश कर रहा है ये हरे निशान में बंद होने की और इसके पीछे चार बैंक्स मजबूती से जुड़े हुए, लेकिन दिन का उच्चतम लेवल था 38,850, वहां से आप लगभग 600 पॉइंट का कट देख रहे हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की अच्छी धुलाई होती हुई, 2% नीचे निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स पर आपको यही कट दिखेगा। ये आपके सामने 3 महीने के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स में आपने रिकॉर्ड हाई देखा। बिकवाली आईटी क्षेत्र से आज सुबह शुरू हुई और यहां पर आप परेशानी देख रहे हैं फ्रंटलाइन काउंटर्स पर और उससे बड़ी परेशानी देख रहे हैं मिड कैप आईटी पर। नैस्टैक से जुड़े हुए ग्रोथ स्टॉक्स आपको सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली में आते हुए दिख रहे हैं। अलावा इन सेक्टर्स के ऑटो फार्मा और मेटल में भी आपने बिकवाली देखी, इनके इंडिविजुअल इंडिसीज आपके सामने 2-2.5% के कट के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इंडिया का फियर इंडेक्स विक्स आपको फिलहाल 5% की वृद्धि के साथ मजबूती से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 5.9%। इस तेजी के पीछे हाथ है 10 साल की यूएस ट्रेजरी यील्ड जो कि आपको 2 साल के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करती हुई दिख रही है। ग्लोबल में तेल के प्राइसेस आपको नवंबर 2014 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और एक रेट हाइक की उम्मीद मजाक करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी 100, 200 और 500 इंडिसीज में भी आपने काफी बिकवाली देखी है। निफ्टी का हीट मैप डायरेक्टर साहब लाइए, देखते हैं कहां आपको सबसे ज्यादा परेशानी दिख रही है। बैंक्स और डिफेंसिव काउंटर्स डॉक्टर रेड्डीज के अलावा आपको कहीं पर भी सपोर्ट नहीं दिख रहा। लगभग एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने 43:7 है, यानी कि गिरने वाला 6 शेयर और बढ़ने वाला 1 शेयर निफ्टी में। ऑटोज में खासी मुनाफा वसूली, पिछले 2 दिन से जो आपने जबरदस्त रैली मारुति और टू व्हीलर स्टॉक्स बजाज ऑटो, आयशर और हीरो मोटर्स में देखी है वो अब मुनाफे में तब्दील होती हुई।
मेटल्स में टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील फिलहाल आपको काफी पैसा बाजार को लौटाते हुए दिख रहे हैं 2.6% के आसपास। इंडेक्स हैवी वेट्स पर ध्यान डालिए, यहाँ पर इंफोसिस, एलएनटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बैंक्स आज बचाते हुए निफ्टी को। अगर एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक में आपको हरा निशान नहीं दिखता तो ये कट जरूर 250 से पौने 300 अंकों का होता। वीरेन जी, आप फ्यूचर्स में क्या भांप रहे हैं? जी अक्षय जी, देखिए जहां पे कॉन्फिडेंस था वो थे बैंक्स और चाहे वो कुछ एनबीएफसी, इसमें चोला फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई तो आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। ये एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ये स्ट्रॉन्ग साइड पे खड़े थे, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हाँ, यूएस फ्यूचर्स ने अगर देखें, यूएस मार्केट के अगर देखें कुछ अपडेट्स ने और बाजार मूड बिगाड़ा, लेकिन अदरवाइज ये स्टॉक्स अगर देखें आज काफी स्ट्रॉन्ग अपने साथ कन्विक्शन कैरी कर रहे हैं। आज मूड खराब किया आईटी ने और आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो आईटी कुछ अगर देखें एफएमसीजी और कुछ अगर देखें हॉस्पिटल स्टॉक्स यानी फार्मा स्टॉक्स ने अगर देखें पेन देखा आपकी स्क्रीन पे अपोलो हॉस्पिटल्स, हिंदुस्तान कॉपर, आईएक्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, कैडिला हेल्थ केयर, ऐसे कुछ स्टॉक थे जो हमने आज काफी देखें शॉर्टिंग हुई आज। और एफएमसीजी में याद रखिएगा आप, आज आईटीसी में काफी शॉर्टिंग हुई है, फार्मा में कैडिला में काफी शॉर्टिंग हुई है, तो आपकी स्क्रीन पर इंडिस 18114 पे और लगभग 18113 पे निफ्टी फ्यूचर्स और सेंसेक्स लगभग आपकी समझ में आप देखें स्क्रीन पर 1.5 के आसपास बंद हुआ और बैंक निफ्टी में 4.5 अंकों का नुकसान जाते जाते। तो आप कह सकते हैं कि बड़ा अतरंगी अगर देखें सेशन था, सुबह बहुत स्ट्रांग ओपनिंग, फिर डिप, फिर बाइंग आई और मार्केट्स में रिकवरी आई। उस रिकवरी में बैंक निफ्टी ने आज आप समझ लीजिएगा कि पुरजोर एक पुल बैक दिया, लेकिन उसके बाद गेम शुरू हुआ लगभग 2:30 बजे से, आखिरी के एक घंटे में यूएस फ्यूचर्स जैसे सिंक हुए उनमें सर्कमस्टेंसेस को बदल दिया। एक चीज जो कि काफी खराब हुई शैल जी और वो था पुट राइटर का कन्वेक्शन जोन 18200, वो वॉलेट हुआ डिसाइसिवली, लेकिन बैंक निफ्टी 38000 के क्रिटिकल लेवल को सिक्योर करके कल के सेशन के लिए लेके गया शैल जी। चलिए फिलहाल आज तक के लिए यही इस शो को समेटते हैं। आपके सामने गहराता हुआ लाल निशान शायद भारतीय बाजारों पर कल भी आता हुआ दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि आप काफी बिकवाली अमरीकी फ्यूचर्स मार्केट्स में आते हुए दिख रहे हैं। डाउ अब ऑलमोस्ट 263 अंक नीचे है, फ्यूचर्स में 35530 और परेशानी आप शायद अगले एक आध दो दिन भारतीय बाजारों में दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये जो आपने रैली देखी है ये बहुत ही जबरदस्त है। एक महीने के अंतराल में भारतीय निफ्टी ने आपको 6.6% का रिटर्न दिया है, जो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन रिटर्न रहा है एक महीने के लिए। यहां से कुछ पैसे बाजार अगर वापस लेता है तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। दिसंबर 20 से जब आपने 3 महीने का लो लगते हुए देखा था बाजार में, तो कुल मिला के 2000 पॉइंट की रैली निफ्टी पर थी, जो कि आज लगभग समझिए 180 पॉइंट, 190 पॉइंट बाजार ने वापस लिए हैं। चिंता की कोई विषय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफा वसूली है फिलहाल। चलिए वीरेन जी और मुझको दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला फिलहाल सीएनबीसी आवाज पर जारी है। हम लोग जुड़े रहेंगे आपके साथ, एक से एक बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको आते हुए दिखेंगे कमोडिटीज बाजार से। नमस्कार।